जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सर। सलाम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा फर्स्टली तो यार आई अपोलोजाइज कि मैं लेट हो गया। नॉर्मली तो मेरी प्रैक्टिस यही होती है, मैं कहीं ट्रैवल कर रहा था तो मैं नॉर्मली कभी भी क्लास लेट नहीं करता होता, जो टाइम अनाउंस होता है उस पर करता होता हूँ। तो आज आपकी सेकंड क्लास थी तो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस की वजह से वो क्लास डिले हो गई, तो उसके लिए उम्मीद है कि आप लोग मुझे दरगुजर करेंगे। चलें जी चलें अफजाल साहब, आप चलें, आपने वीडियो ऑन कर ही लिया है तो चलें हम फिर ना आपका तारुफ भी करवा देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ अफजाल साहब मौजूद हैं। अफजाल साहब अभी वो वीडियो के जरिए आपके साथ शायद आपकी स्क्रीन पर भी अपीयर हो रहे होंगे। सर अफजाल साहब ये डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो अभी उनको आवाज़ शायद उनकी आवाज़ भी आएगी। हाँ जो अफजाल साहब हैं अभी ये मेरे उस टीचर भी हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? वो बंदा जो FPR जब मिसाल के तौर पे टैक्स पेयर के अगेंस्ट केस करता है ना, तो एक मिसाल के तौर पे मेरे अगेंस्ट FBR ने कहा आपका इतना 100 रुपया टैक्स बनता है। मैंने कहा नहीं 50 रुपया बनता है। उन्होंने कहा नहीं जी आपने 100 रुपया देना है। मैं कर दूंगा अपील, ठीक है। जब मैं अपील करूंगा ना तो एक FBR का वकील होगा, एक मैं जाऊंगा या मेरा वकील जाएगा। आसान फाज मैं कहता हूँ मैंने भी वकील रख लिया। तो जो डिपार्टमेंट के वकील होते हैं वो अफजाल साहब हैं, ठीक है। तो ये काइंडली सर आप अपना थोड़ा सा बता भी दीजिए और हमें थोड़ा तारुफ भी करा दीजिए। काइंडली सर लोग म्यूट रखें जी। अच्छा सर काइंडली सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया, ठीक है। तो हमें अपने बारे में, आपको आवाज़ आ रही है सर? हेलो अच्छा मेरा ख्याल है कि अफजाल साहब का ना वो कोई नेटवर्क का इशू है। खैर मैं उनसे दोबारा कांटेक्ट करता हूँ तो उनको हम ऑन बोर्ड करते हैं, तो वो फिर पार्टिसिपेट करेंगे डिफरेंट मैटर्स में, ठीक है। अच्छा जी चलिए आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास आप लोग को याद होगी जहाँ पे हमने ख़त्म की थी। अच्छा कल की क्लास में से वैसे आप लोग का को कोई क्वेश्चन हो? सर एक क्वेश्चन है सर जी। ये जो ना इरोमेंट में ना मैंने ना CNSE नंबर कहते हैं एंटर किया था, तो ना ऑटोमेटिक आपने कहा था कि वो नाम उठा लेता है, तो वो नाम नहीं उठाया सिस्टम ने। कोई मसला नहीं, नाम नहीं भी उठाया कोई मसला नहीं है, ठीक है। बाकी डिटेल्स फिल करके आप उसको प्रोसीड करें, जी बाकी जी ठीक है कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा चलें जी हम सर। अपनी मेरा भी आज एक सवाल की था। अच्छा सर आप जी। कंटिन्यू कर लें। मेरा असल में एक सवाल था, ये जो ई एनरोलमेंट के केस में आपने बताया कि टैक्स पेयर के पास जो है ना कोई FBR के पास जो है डाटा होता है, राइट। तो अगर वो हाँ डाटा उसकी बेसिस पे वो ऑलरेडी उसके पास जो है वो रजिस्ट्रेशन समहाउ शो हो रही होती है लेकिन फॉर्मल रजिस्ट्रेशन नहीं होती, जिसकी वजह से वो ई एनरोलमेंट में शो करता है व्हेन यू गो फॉर अ न्यू रजिस्ट्रेशन, राइट। ठीक है तो इन दैट केस इफ ई एनरोलमेंट के वक्त, क्योंकि FBR के पास एक पार्शल इंफॉर्मेशन होती है, अगर ओके किसी किस्म की कोई उसमें जो है वो डिटेल्स सही नहीं होती, क्या वो रेक्टिफिकेशन हो सकती है? लाइक इन केस यू सेड टू अस जुरिसडिक्शन इज मच मच इम्पोर्टेंट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि आप जहाँ पे रह रहे हो टैक्स पे जहाँ पर हो तो वो जी वहाँ पे जो है वो रजिस्ट्रेशन वो वाली डाले। जी तो इन दैट काइंडली अच्छा अनम्यूट कीजिएगा, अभी आवाज आ रही थी तो मैंने बंद किया है, दोबारा से काइंडली अनम्यूट कर लें। आप अपने क्वेश्चन को प्रोसीड करें। हेलो चलें, मेरा ख्याल है कि आप तो नहीं सुन पा रही मुझे। अच्छा कल हमारा लेक्चर बंद था, ठीक है। उस लेक्चर को मैं रिकैप करता हूँ, ठीक है। उस लेक्चर के अंदर जो डिफरेंट चीज़ें मैंने बताई थी आपको, हेलो याद अभी बस म्यूट ही रखें, अभी आप क्लास को कर लेते हैं, बाद में क्वेश्चन आंसर को कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी मैंने आपको कहा था बिजनेस स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि आप पाकिस्तान में बिजनेस करना चाहते हैं, मैं रिकैप कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या मैक्सिमम पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज हैं जिसके तहत हम बिजनेस कर सकते हैं, यानी कि बिजनेस को रजिस्टर करने के लिए डिफरेंट हमारे पास क्या स्ट्रक्चर अवेलेबल है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया। इसमें से जो नंबर वन था उसको कल हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया, ठीक है। इसको फिर हमने बताया कि सोल प्रोप्रेटर की रजिस्ट्रेशन क्यों होती है। बेसिकली वी वांट टू ओपन एन बैंक अकाउंट विद द बैंक, ठीक है। हमने एक बैंक अकाउंट ओपन करवाना, उस सिलसिले में हम सोल प्रोप्रेटर की एनटीएन लेते होते हैं। किसके साथ लेते हैं? FBR के साथ। एनटीएन तो वैसे नॉर्मली फर्स्टली एनटीएन लिया जाता है, उसके बाद उस बिजनेस को ऐड किया जाता है, ठीक है।
इस चीज पे कल हम लोग लेते थे, ठीक है। तो आपको याद होगा मैंने बताया कि सोल प्रोप्रेटर, हर बंदा सोल प्रोप्रेटर है जो कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है, वो काम कर रहा है, ठीक है। तो 181 का फॉर्म होता है, वो सबमिट करते हैं, फिर उसकी मॉडिफिकेशन होती है, फिर हम लेटर बनाते हैं, स्टैम्प बनाते हैं, बैंक हमारा अकाउंट खोल देता है। फिर मैंने डिफरेंट किस्म के आपको ये बताए बिजनेसेस जिनके लिए प्रायर आपको क्या चाहिए होता है, आपको कहीं ना कहीं से परमिशन चाहिए होती है, ठीक है, वरना आपका बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि मैंने सिक्योरिटी गार्ड्स की कंपनी बनाई हुई है, मैं बैंक के पास जाऊँ, बशारत सिक्योरिटी गार्ड्स है मतलब, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड्स कंपनी, ठीक है, या कोई भी ऐसा नाम बोल दूँ, ठीक है, तो वो कहेंगे भाई इसके लिए बकायदा कोई लाइसेंसी देगी, वो चाहे कंपनी हो, चाहे सोल प्रोप्रेटर हो, चाहे कोई भी मतलब पार्टनरशिप का स्ट्रक्चर हो, उसमें अगर ये वाले बिजनेसिस मेंशन है तो याद रखिएगा कि आपको कहीं ना कहीं से लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट होती है, कहीं ना कहीं से अप्रूवल लेनी होती है, ठीक है। ये मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे कल, आपको याद होगा कि वन मैन कैपिटल होता है, ऑटोनॉमी होती है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग नहीं होती, सिंगल ऑनर होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है। ये आपको मैंने सेक्शन बताया जो रजिस्ट्रेशन के लिए होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको चंद रूल्स बताए कि ये रजिस्ट्रेशन के रूल्स हैं, ठीक है, मैंने कहा था आप इनको देख लीजिएगा। किसी बंदे ने वैसे रूल्स पढ़ने की कोशिश की हो, किसी बंदे ने रूल्स पढ़े हैं जी सर पढ़े हैं। उसमें से कोई पॉइंट आपका पूछने वाला हो, या सेक्शन में से कोई पॉइंट आपका पूछने वाला हो? चलें, आई हाँ बिलीव टैक्स पेयर सर, टैक्स पेयर कार्ड के वाले से पूछना था कि मतलब ये कार्ड जो होता है, जो इशू होता है हमें, वो एफपीएल की तरफ से। आप समझे, कोई आपका टैक्स पेयर कार्ड नहीं, आपका आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, टैक्स पेयर कार्ड का कंसेप्ट था, लेकिन अभी समझे टैक्स पेयर कार्ड कुछ भी नहीं, ठीक है, इसकी कोई प्रैक्टिकल कोई भी वो उस तरह से नहीं है, एप्लीकेशन नहीं, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा आपको याद होगा कल हमने बाकी जो डिफरेंट चीजें पढ़ी थी उसके अंदर हमने एक्ट का भी देखा था, ऑर्डिनेंस का भी देखा था कि ऑर्डिनेंस क्या है, ठीक है। उसके बाद मैंने और एक चीज बताई थी, फाइनेंस एक्ट, ठीक है। तो फाइनेंस एक्ट के बारे में मैं किसी से सवाल पूछना चाहता हूँ जी, हम पूछते हैं अख्तर अली साहब, अख्तर अली फाइनेंस एक्ट क्या होता है, काइंडली बताइएगा। अख्तर साहब फाइनेंस एक्ट, चलें जी, मेरा ख्याल है कि अच्छा क्लास में काइंडली बैठा करें, मैंने आपको पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग अलग रूम में बैठे हैं, कहीं अलग बैठे हैं, ताकि एक हेल्दी डिस्कशन हो और आपको भी फील हो कि मैंने जो टाइम दिया है उसका मुझे फायदा होगा, ठीक है। कोई और साहब बताना चाहें, फाइनेंस एक्ट को समराइज करना चाहें जो कल मैंने बताया था? सर फाइनेंस एक्ट किस्म का फाइनेंस एक्ट एक्ट के होता है बारे में जो आपको, नेशनल असेंबली से इशू होता है, और ये जो फाइनेंशियल एक्ट होता है वो जुलाई से लेके जून तक होता है, मगर जो टैक्स ईयर जो होता है वो जो कैलेंडर ईयर हमारा 2023 का काउंट होता है, और जो कंपनी के वाले से हम टैक्स ईयर काउंट करते हैं तो वो मतलब 2024 का होगा जो अभी व्हाट निकलता है इज उसका। फाइनेंस एक्ट, ये आपका आंसर नहीं है जो आप बता रहे हैं, माफ रखिए ये चीज वो मजे की नहीं है, फाइनेंस एक्ट क्या है? ये जो नेशनल असेंबली फाइनेंस बजट एक्ट पास करती जो है बजट उसको पेश करता है। फाइनेंस एक्ट। अच्छा चलिए जी, ठीक है जी, जो नेशनल असेंबली, अच्छा फाइनेंस एक्ट के जरिए आपके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर अमेंडमेंट्स लाई जा रही होती हैं, क्या लाई जा रही होती हैं, अमेंडमेंट्स लाई जा रही होती हैं, ठीक है। तो साहब कहते हैं सिंपल वर्ड में बजट को कहते हैं, बिल्कुल बजट को कहते हैं, ठीक है, लेकिन ये ऐसा बजट होता है जो नेशनल असेंबली आपके सेनेट में रिकमेंडेशन के बाद, प्रोसेस के बाद, मतलब आपके प्रेसिडेंट से अप्रूव हो चुका होता है, तब ये आपका जो बजट होता है इसको हम फाइनेंस एक्ट कह रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अब जब तक वो अप्रूव नहीं हो जाता इन फॉरम से, तब तक हम उसको फाइनेंस एक्ट नहीं कहेंगे। फाइनेंस एक्ट क्या है, अमेंडमेंट्स हैं किसके अंदर, ऑर्डिनेंस के अंदर, ठीक है, आसान अल्फाज में। अच्छा जी, आपको टैक्स ईयर का भी पता है, कल मैंने बताया था आपको टैक्स ईयर के अलावा दूसरे नंबर पे फाइनेंस एक्ट का भी पता है, ठीक है। अच्छा अभी इस साल जो अभी गुजरा है, मतलब अभी गुजरा नहीं, गुजरने में कुछ दिन बाकी हैं, तो मुझे ये बताइए कि फाइनेंस एक्ट का कौन सा आया होगा, 2024 का, 23 का, 22 का, टैक्स ईयर की नहीं बात करा, जो फाइनेंस एक्ट 2024, क्या होगा, फाइनेंस 2023, एक्ट 2023, फाइनेंस 2023, एक्ट 2023, 23, 2023, शाबाश। 2023, अच्छा तो ये क्यों, 2024 शाबाश, ये 24 वाले देखें शहजादे मौजूद हैं जी, ये हमारी क्लास का हुसन है, ठीक है, इन लोगों का होना बहुत जरूरी है, वरना बाकी लोग जो है ना वो उनको समझ ना आए। 24 वाले साहब कौन से थे? 2022 है सर। इंटरप्शन हो गई थी, मैं समझा शायद आपको जो बजट के बाद वो आता है ना, बजट आता है, मैं उस में चला गया था अच्छा, जी, एक वो और साहब कहते हैं इंटरप्शन 2022, एक 2022 वाले भी साहब हैं, माशाल्लाह, आप अंदाजा करें
अब क्या बंदा कहे और क्या ना कहे, ठीक है। चलो खैर जी, वो कल नहीं, वो की क्लास, फाइनेंस बिल संबंधित है। ठीक है, आप लोग ये जो क्लास क्लास को रिवाइज कीजिएगा। मुझे स्टिल लग रहा है कि मतलब ना इतनी एफर्ट के बाद आप लोगों ने ना तो उसको रिवाइज किया है, ना देखा है, और ना ही कल की क्लास को क्लियर किया क्लास के दौरान, वरना ये जो 22 और 24 सालों की बात हो रही है, ठीक है, 23 वालों का तो पता है। और फाइनेंस अगर अगर 23 है 2023 है तो किस टैक्स ईयर के लिए एप्लीकेबल होगा, टैक्स ईयर उसका कौन सा बनेगा रेलिवेंट? 24, ट्वेंटी 2024, फोर ट्वेंटी 2024, फोर 2024, शाबाश शाबाश। अच्छा जी 2022, 23। कहाँ से आते हैं ये लोग शिवल लगाने आते हैं। यार, क्या। अच्छा चले। अच्छा जी अफजाल साहब, आप मौजूदा क्लास में वो हंस रहे होंगे, सर भी कह रहे होंगे यार कैसे लोग को आप पढ़ाते हो, जी जी कसम सर, से। मैं चले मौजूद हूँ। अच्छा आगे हम प्रोसीड करते हैं। अच्छा कल की क्लास में हमने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म डिस्कस किया था, आपको याद होगा, ठीक है। कल की क्लास में हमने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म डिस्कस किया था, दोबारा से हम उसको देख लेते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। आपको याद होगा हमने कहा था कि किसी बंदे को रजिस्टर करना है तो क्या लिखना है, IRIS.FVR, ठीक है। अच्छा आज वो पता नहीं मुझे मैनेजमेंट वाले बोल रहे थे कि जी स्टूडेंट कह रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, तो आप लोगों का आज की क्लास के बाद व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। उसके अंदर मैं भी मौजूद होऊंगा, आप लोग भी मौजूद होंगे, तो आप लोग के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप पूछ सकते हैं वहाँ पे। आप वॉइस नोट भी भेज सकते हैं, आप लिख के भी पूछ सकते हैं, आपको पिक्चर भेज के भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उस पर आपको जवाब दिया करूँगा। अच्छा अस्सलाम वालेकुम सर, ये सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। नहीं अच्छा जी किसी और बंदे को मेरी आवाज सुनने में मसला आ रहा है? नो सर, आवाज क्लियर है। नो सही आ रही है। फिलहाल नहीं सर, तो क्लियर आवाज है सर। क्लियर जी है। सर, क्लियर है आवाज। मेरा नेटवर्क ठीक है, बाकी आप लोग अपना नेटवर्क देखिए, ठीक है। मेरी तरफ से आवाज ऑल ओके है, ठीक है, बस ये बताना था कि। अच्छा जी सर, आपको याद होगा कल की क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं। मैंने आपको ये ई एनरोलमेंट का कंसेप्ट दिया था कि एफबीआर के पास पार्शियल इंफॉर्मेशन अगर हो, मैंने आपको कल बताया था मिसाल के तौर पे, अगर मैं एक लॉयर हूँ लेट्स सपोज, और मैं किसी गवर्नमेंट के महकमे को सर्विस देता हूँ, तो वो मुझे पेमेंट करते हुए टैक्स काट लेंगे, ठीक है, टैक्स काट लेंगे। वो सेक्शन 153 कहता है कि कोई बंदा सर्विस दे किसी दूसरे बंदे को विदहोल्डिंग में, हम डिटेल्स इसको डिस्कस करेंगे। तो जब वो मेरा टैक्स काट लेते हैं तो उसके बाद वो गवर्नमेंट के खजाने में जमा करवा देते हैं। ऑब्वियसली वो मेरे CNIC के अगेंस्ट गवर्नमेंट को बताएंगे कि बिशारा साहब का टैक्स है, और मैं अपने आप को FBR के साथ रजिस्टर्ड नहीं करवाता। लेकिन मिसाल के तौर पर वकील होने के बावजूद भी मैं रजिस्टर नहीं करवाता, फिर कल को मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ यार मुझे रजिस्टर्ड कर दो, ठीक है, मैं बड़ा बिजी आदमी हूँ। वो ये वाला फॉर्म फिल करता है, जब फॉर्म फिल करता है ना तो यहाँ पे एक, मैंने आपको कल भी बोला था क्लास को गौर से सुना करें, यहाँ पे एक मैसेज आएगा कि आपकी ई एनरोलमेंट रिक्वायर्ड है, मतलब ई रजिस्ट्रेशन का फॉर्म प्रोसीड ही नहीं होगा, बल्कि इसकी जगह पे क्या आएगा, मैसेज आएगा, ठीक है, मैंने आपको बताया था कल। तो उस केस में हम ई एनरोलमेंट को यूज करते हैं, वरना हम यूज नहीं करते, आपको याद होगा, ठीक है। मैंने कल ही बताया था ये ई एनरोलमेंट आपकी ये पड़ी हुई है जी न्यू रजिस्ट्रेशन के साथ ही यहाँ पे, ठीक है। तो सर हम जब रजिस्टर्ड कर लेते हैं तो उसके बाद जो इंटरनल इंटरफेस होता है ना पोर्टल का, वो मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसा होता है। ये आपका इंटरनल इंटरफेस होता है पोर्टल का। अच्छा अब इसमें अगर सर मैं आपको बताऊं तो ये आपका रजिस्ट्रेशन टैब है, ठीक है, ये डिक्लेरेशन टैब है, ठीक है। तो आप कहें सर रजिस्टर्ड तो हम हो गए, क्या मतलब ये क्यों दिया गया है? रजिस्ट्रेशन में इस टैब के अंदर अगर हमने 181 की मॉडिफिकेशन करनी है, यानी कि वो जो कल मैंने आपको सलमान नाम का बंदा बताया था, उसने अभी सिंपल रजिस्टर्ड किया है ये वाला फॉर्म जो है न्यू रजिस्ट्रेशन से, न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर मुझे बताइए ये जो फॉर्म था, एक मिनट मुझे दीजिएगा मैं बैक जाऊं एक मिनट के लिए, ये वाला सर जब मैंने फॉर्म भरा था ये 181 वाला, इसके ऊपर कहीं मैंने लिखा था सलमान करियाना स्टोर, मैंने सिर्फ सलमान का फॉर्म भर दिया था लेट्स सपोज, क्या इस फॉर्म के अंदर कहीं नाम लिखा हुआ है सलमान का कि वो करियाना स्टोर रन करते हैं? कहीं पे बिल्कुल नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो ये फिर कहीं पे अंदर जाके फॉर्म के अंदर हम अमेंड करेंगे, हम क्या करेंगे, हम अमेंड करेंगे, कैसे अमेंड करना है उसको मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा ही वापस गए, यानी कि बंदे का लॉगिन बना हुआ होगा, उसके बाद जो मैंने कहा था ना कि एंटी एंड ऑब्टेन कर लेंगे, उसके बाद उसके अंदर बिजनेस को ऐड करेंगे,
सर बिजनेस को ऐड करने के लिए हम देखते हैं। वैसे आई बिलीव आपको सोल प्रोप्रेटर का मुकम्मल कंसेप्ट पता है, ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने लॉगिन किया, व्हाट्सएप और जो भी बंदा उसका लॉगिन हो गया, ठीक है। उसके लिए यहाँ रजिस्ट्रेशन पे आपने जाना है, ठीक है। जब याद रखिएगा एक बात है, इससे भी पहले एक बात जरूरी है, वो ये जरूरी है कि जब आप किसी भी टैब के ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो उसके अंदर जो सब उसकी कैटेगरीज हैं वो ओपन हो जाती हैं, हर कैटेगरी की, ठीक है। अब वन बाई वन पहले मैं इनको एक्सप्लेन ही कर देता हूँ हर टैब। अच्छा याद रखिएगा, ये आयरिस पोर्टल है। इस मतलब पोर्टल पे आके हम लोग क्या करते होते हैं, हम एप्लीकेशन हो हमारी रिफंड की, हो हमारी अपील हो, हमारी सेल टैक्स की रिटर्न हो, हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न हो, ठीक है, हमारा रिफंड हो, हर किस्म की एप्लीकेशन यहाँ पे हम सबमिट कर रहे हो सारी की सारी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला अब ये रजिस्ट्रेशन का टैब है, ठीक है। इसके अंदर 181 की हम मॉडिफिकेशन करने लगे, यानी कि जो हमने फॉर्म सबमिट किया था रजिस्टर करवाते हुए उसको हम अमेंड करना है। अमेंड करने के लिए यहाँ पे जाते होते हैं, ये फॉर्म्स के अंदर जाके यहाँ पे फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल फॉर मॉडिफिकेशन इनकम टैक्स, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। जब आप क्लिक करते हैं, अच्छा याद रखिएगा, सबसे पहले वो आपसे टैक्स ईयर पूछता होता है। क्या पूछता है आपसे? टैक्स ईयर यहाँ पे पूछेगा। मैंने टैक्स ईयर मेंशन करना है, लेट्स सपोज मैंने कहा टैक्स ईयर 2024, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ से आपको एक और चीज का जवाब मिलता है, जो कल मैंने आपको बोला था कि टैक्स ईयर 2024 जो होता है, ये आप देखिए जून के साथ क्या ऐड हुआ हुआ है, 2024, तो टैक्स ईयर कौन सा बन गया? 2024, सेक्शन 74(1) कल बताया था। लेकिन ये स्टार्ट कब हुआ है? 1 जुलाई 2023 से 12 माह का पीरियड हो गया। अब इसको 23-24 नहीं पढ़ा गया, इसको 24 ही बोला गया। और ये वाली बात मैंने आपको कहा था, कानून के अंदर लिखी हुई है। मैंने कहा ये मॉडिफिकेशन करने जा रहा हूँ, आप कहें सर अगर आज एक बंदे को मैं रजिस्टर करूंगा तो किस तरह करूंगा, ठीक है। अच्छा ये आरडीओ कहता है पढ़ा हुआ है। अच्छा चलो, इसी के साथ एक और चीज आपको चंद बता, इसी पोर्टल पे इसी डैशबोर्ड में एक इनबॉक्स है, एक ड्राफ्ट है, एक आउटबॉक्स है और एक कंप्लीट टास्क है। इनबॉक्स क्या है? इसके ऊपर वो लेटर्स, वो नोटिस पड़े होते हैं, वो ऑर्डर्स पड़े होते हैं जो एफबीआर ने आपको भेजे हुए हैं। यानी कि एफबीआर जो हमें नोटिस सर्व करता है या ऑर्डर सर्विस सर्व करता है, वो कहाँ पे पड़ा होता है? इनबॉक्स के अंदर। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिकली हमें नेट नोटिस इशू हुआ, ठीक है। ड्राफ्ट में वो लेटर्स, वो रिस्पॉन्सेज, वो चीजें पड़ी होती हैं, जैसे हम मोबाइल के ऊपर मैसेज टाइप कर रहे होते हैं और उसको दरमियान में छोड़ देते हैं तो मैसेज कहाँ पे चला जाता है? ड्राफ्ट में। बिल्कुल उस तरह से अगर हम किसी नोटिस आया हुआ है उसका जवाब बना रहे हैं लेकिन हमने सबमिट नहीं किया, तो वो कहाँ पे पड़ा होगा? ड्राफ्ट में। अभी ये वन बाय वन आपको दिखाता भी हूँ। आउटबॉक्स में क्या पड़ा होगा? वो चीजें जो हमने एफबीआर को भेज दी है, जैसे मोबाइल का सेंट आइटम होता है, ठीक है। अच्छा आप कंप्लीटेड टास्क में कौन से मैसेज पड़े होते हैं, कौन सी चीजें पड़ी होती हैं, कौन से नोटिस, कौन से ऑर्डर पड़े होते हैं? एफबीआर हमें नोटिस भेजता है, हम उसका जवाब देते हैं, वो आउटबॉक्स में चला जाता है, ठीक है। जब एफबीआर उसके ऊपर अपना कोई हतमी फैसला दे देता है या वो एफबीआर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो कहाँ पे पड़ा होता है? कंप्लीट टास्क में। मिसाल के तौर पर जब मैं रिटर्न सबमिट करता हूँ तो वो एफबीआर ने कभी इनबॉक्स मेरे में नहीं डाली होती, ड्राफ्ट में नहीं पड़ी होती, अगर मैंने उसको समझो सबमिट कर दिया, आउटबॉक्स में नहीं पड़ी होती, वो कहाँ पे पड़ी होती है? कंप्लीट टास्क में, ठीक है। कहाँ पड़ी होती है? कंप्लीट टास्क में। आप कहें सर पहले वो तो करवा लें जो आप करवा रहे थे मॉडिफिकेशन, तो मैं वापस मॉडिफिकेशन पे ही जा रहा हूँ, ये बस वो जरूरी था एक ओवरव्यू देने। यहाँ पे इस बंदे की प्रॉपर प्रोफाइल आ रही है, प्रोफाइल पर मैं क्लिक करूंगा तो मुझे मिल जाएगा इस बंदे का नाम क्या है, ईमेल क्या है, इसका एड्रेस क्या है। यहाँ पे तो नहीं आ रहा, खैर मैं आपको अपना दिखा देता हूँ, ये बेसिकली किसी और का मैंने खोला हुआ है, किसी बड़े कंसल्टेंट का। अच्छा जी, ये मैंने अपना लॉगिन कर लिया, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हमें प्रोफाइल पे अगर क्लिक करेंगे तो ये सारी प्रोफाइल मेरी खुल के सामने आ जाएगी, ठीक है। ये देखिएगा प्रोफाइल में ये मेरा नाम भी आ रहा है, ये सारी चीजें डिफरेंट चीजें आ रही हैं यहाँ पे जब मैं रजिस्टर्ड हुआ, ठीक है। उसके बाद मेरा इनकम सोर्स क्या है, क्या मैं सैलरी वाला हूँ, मैं बिजनेस वाला हूँ या दोनों वाला हूँ, बिजनेसेस कौन कौन से हैं, एड्रेसेस कौन कौन से हैं, ठीक है। सिक्योरिटी के कोई कनेक्शन अगर मेरे नाम पे है, कोई बैंक अकाउंट मैंने एफबीआर को डिक्लेयर किया हुआ था वो, और कोई मैंने अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे बताया हुआ है नॉर्मली सेक्शन 87 का भी मैंने आपको बताया था, ये डेथ के केस में होता है नॉर्मली अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, अगर मैंने वकील को भी ऐड करना कर लो, अगर मैं सैलरी कहीं से लेता हूँ तो मैं अपना एम्प्लॉयर भी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अटैचमेंट में ये जब मॉडिफिकेशन करेंगे तो वहां पे आएगा, मैं अभी मॉडिफिकेशन वाला आपको दिखा दूँ। यहाँ पे सर हम गए, ठीक है, ये मॉडिफिकेशन पे आ गए, यहाँ पे सबसे पहले क्या पूछेगा? टैक्स ईयर। मैंने टैक्स ईयर उसको बता दिया 2024 सेलेक्ट किया,
कंटिन्यू किया। अच्छा जी सर, ये एक फॉर्म खुल गया, ये क्या, इस फॉर्म का नाम क्या है? 181 फॉर्म ऑफ फाइल फॉर मॉडिफिकेशन, ठीक है। अच्छा, जो मॉडिफिकेशन का फॉर्म होता है ना, इसके जरिए याद रखिएगा, एक तो मैं अपना मोबाइल नंबर बदल सकता हूँ, मैं अपना ईमेल भी बदल सकता हूँ, ठीक है। उसके अलावा मैं अपना प्रॉपर्टी, मैं अपना एड्रेस भी बदल सकता हूँ, ठीक है, ये एड्रेस डिफरेंट किस्म के एड्रेस से लिखे हुए हैं। उसके अलावा सर मैं अपना बिजनेस भी डाल सकता हूँ, जिसके लिए हम आए हैं, जो सलमान किराना डालना है, ठीक है, वो भी डाल सकता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे मैं लिंक करके अपने वो जो मैं बता रहा था, मैं अपना कोई ऑडिटर, कोई डिफरेंट लोग को ऐड ऑन कर सकता हूँ, ये जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एआर होते हैं, ये देखो किस किस को ऐड कर सकता हूँ, अपने ऑडिटर को, एम्प्लॉयर को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, ये डिफरेंट लोग को यहाँ पे ऐड किया जा सकता है। खैर इस चीज़ को अभी इग्नोर कर दें। अटैचमेंट में मुझे जब मैंने अपना बिजनेस बताना, तो कहेगा अपने बिजनेस के लिए मुझे बताएं कि आपका कोई किसी के साथ टेनेंसी एग्रीमेंट है, जहाँ पे आप बिजनेस करते हैं उस जगह का कोई एग्रीमेंट है, या अगर आपकी कोई अपनी प्रॉपर्टीज हैं तो क्या उसका कोई ओनरशिप सर्टिफिकेट है। उसके बाद वो कहेगा मुझे पेड यूटिलिटी बिल दीजिए, वो 3 माह से पुराना ना हो, ठीक है। एंड पे अगर कोई बैंक अकाउंट डिक्लेयर करना है तो वो पूछ लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं, हम आए हैं बिजनेस ऐड करने, तो हम कहाँ पे क्लिक करेंगे? बिजनेस पे। सर जब हम बिजनेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो कहेगा अगर किसी बंदे ने ऑलरेडी कुछ बिजनेसेस अपनी प्रोफाइल के अंदर डाल रखे हैं तो वो बिजनेसेस यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। मैं इस तरह से स्टूडेंट के लिए यहाँ पे लिख लिख के शो करता रहता हूँ, एक इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल ट्रेनिंग मैंने डाला हुआ है ऐसे, ठीक है, एक इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्प्यूटर से डाला हुआ है, एक जहाँ तक मैंने डाला हुआ है, ठीक है। ये किस किस दिन से बिजनेस मैंने डाले हुए, मिसाल के तौर पे ये अभी रिसेंटली डेट्स आ रही होगी, हालांकि हैं तो सारी पुरानी। अच्छा, यहाँ पे इसकी कैपेसिटी क्या है, ऑनर है, ठीक है, मैं इनको एडिट भी कर सकता हूँ, लेकिन एडिटिंग पे मैं नहीं जा रहा, मैंने एक नया बिजनेस डालना है। हो सकता है किसी बंदे का ये ना आ रहा हो, अगर किसी बंदे ने बिजनेस नहीं डाला हुआ तो उसका ये सेक्शन में बिजनेस लिखे हुए आ ही नहीं रहे होंगे, ठीक है। अब हम बिजनेस ऐड करना चाहते हैं तो सबसे पहले सर आपने कहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे। अच्छा, ऐड देन, दोबारा री एम्फसाइज करूंगा, ये सारी एक्सरसाइज क्यों हो रही है, हमने बैंक अकाउंट खुलवाना है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों ने ऑर्डिनेंस और रूल्स को डाउनलोड किया, वैसे टाइप करके काइंडली बता दीजिएगा, अनम्यूट ना कीजिएगा, सारे शुरू हो जाते हैं फिर, टाइप करके बता दें कितने लोगों ने डाउनलोड किया। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। चले, बड़ी स्लो ऐसे जवाब दे रहे हैं जैसे आपका कोई बिल आ रहा हो, हालांकि अगर आप डाउनलोड टाइप कर भी रहे हैं तो अच्छी बात है, और एक्टिव रहते हैं। अच्छा, तो सर यहाँ पे हम ऐड पे क्लिक करेंगे, जब मैं ऐड के ऊपर क्लिक करूंगा तो आपके सामने एक नई टैब आ जाती है, एक बिजनेस, बिजनेस नेम, जिस बिजनेस को मैं ऐड करना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको कल बताया था मिसाल के तौर पे, मैं उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करता हूँ, सलमान करियाना स्टोर, ठीक है, करियाने लिखा गया, करियाना स्टोर लिख दिया सर, ठीक है। उसके बाद एक्विजिशन में गए, एक्विजिशन से मुराद ये कि बिजनेस, वैसे तो इसका जो एक्चुअल मतलब है वो है कि आप कहीं से बिजनेस खरीद रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कहूंगा कि बिजनेस हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं, किस दिन से बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, मैंने कहा जी मैं आज से ही कर रहा हूँ, या हो सकता है मैं कहूँ कि मिसाल के तौर पे मैंने फर्स्ट आपके दिसंबर को किया है, लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, एफबीआर को जो आप डेट बता रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं टैक्स ईयर लिख देता हूँ यहाँ पे, मतलब मिसाल तौर 22 का, लेकिन मैं रिटर्न 22 की जो फाइल की हुई है वो मैंने कौन सी फाइल की हुई है, एक नॉर्मल इंडिविजुअल और सैलरीड इंडिविजुअल के तौर पर, लेकिन बिजनेस मैंने शो कर दिया 22 से या 21 से या 20 से। तो याद रखिएगा जिस साल आप बिजनेस शो करें उस साल की रिटर्न भी फाइल करें, भले वो थोड़ा प्रॉफिट हो ज्यादा हो, ठीक है, भले फिगर्स जैसे भी हो, ठीक है, लेकिन आपने बताना है कि अगर आप बिजनेस यहाँ पे शो करना है, आप कहें सर बिजनेस की रिटर्न आगे बताएंगे, भाई अभी तो मैंने रिटर्न वगैरह कुछ बताई ही नहीं, अभी तो मैं पिलर सेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने मेंशन कर दिया कि मैंने 1 दिसंबर से बिजनेस किया है, ठीक है, और यानी कि सोल प्रोप्रेटर है, तो ये दूसरा तो सवाल ही नहीं पैदा होता, बेनामी लैसी फला फला फला, यहाँ पे ऑनर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑनर लिखेंगे। आगे अगेन यहाँ पे ऐड का बटन पे क्लिक करेंगे, ऐड के बटन पे क्लिक कर दिया, ठीक है सर, यहाँ पे हम लोग चले गए, ठीक है, प्रिंसिपल एक्टिविटी पे मार्क करना है, यानी प्रिंसिपल एक्टिविटी कौन सी होती है, ये वो वाली एक्टिविटी होती है जो बंदा काम कर रहा था, यानी कि इस बंदे का काम ही यही है, ठीक है, यानी कि आप क्या मतलब यही है, इसके अलावा भी तो हो सकता है सर। प्रिंसिपल एक्टिविटी वो होती है जिससे बंदा मेनली प्राइमरली प्रॉफिट अर्न कर रहा होता है,
आप कहें कि ये टिक करना, मैं कहूंगा यार पेट पैटर्न है या पेट रूल, आप इसको यहाँ पे मार्क करेंगे ही करेंगे, ठीक है, लाजमी तौर पर। अच्छा है, और मकान अभी क्वेश्चन आपने रोक के रखें। अच्छा यहाँ पे फिर आपने आना है, अगर उस बंदे को सेल टैक्स में भी आगे आपने रजिस्टर्ड करवाना है तो सेल टैक्स को मार्क कर लेना वरना नहीं करना। फेडरल एक्साइज ड्यूटी में अगर रजिस्टर्ड करवाना है या फेडरल एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल है तो मार्क कर लेना वरना नहीं करना। उसके बाद आपने सर्च पे क्लिक करना। यहाँ पे आप उस बंदे का देखिए, एक वो शॉपकीपर है, तो यहाँ पे ना आपने वो रेलिवेंट यहाँ पे याद रखिएगा 64 पेजेस हैं, हर पेज के ऊपर ये 8 किस्म के बिजनेस मेंशन किए गए हैं, पाकिस्तान के अंदर जितने लीगल बिजनेस हो सकते हैं, ठीक है, सारे के सारे बिजनेसेस एफबीआई ने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे अपना रेलिवेंट बिजनेस ढूंढना है। आप कहें सर जो मिल्क वाला है सर वो किस में आएगा, मैं कहूँगा यार मिल्क वाले का आप देखें कि वो कर तो रहा है ट्रेडिंग, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे इसको ढूंढेंगे, ठीक है। आप कहें सर मैं अगर फर्स्ट चीज हम कोशिश करते हैं जो बिजनेस है ना उसको ढूंढे, मिल्क लिखा लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो स्पेसिफिकली मिल्क के नाम से उन्होंने दिया हो, ठीक है। आप कहें सर फिर इसको किस और में ले जाऊं, ठीक है, आप ले जाएंगे ट्रेडिंग में, ठीक है, लेट्स सपोज, ठीक है, आप कहें सर ट्रेडिंग में भी नहीं आ रहा। अच्छा ट्रेडिंग भी नहीं आ रहा, ठीक है, यहाँ पे फिर उसको हम देखने लग जाते हैं कि अच्छा रेलिवेंट हमारी जो कैटेगरी अप्रोप्रिएट बन रही है ना तो कौन सी बन रही है। ये आपने एक तो याद रखना कि 64 पेजेस आपके लिए देखने मुश्किल हो जाएंगे, इसलिए हमारी कोशिश तो यही होती है, मैं आसान अल्फाज में लंबा नहीं करते हैं, हम इसको यहीं पे कवर करते हैं। मैं कहता हूँ यार मेरा बिजनेस लेट्स सपोज एजुकेशन का है, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एजुकेशन ही लिख लेना, ठीक है। अच्छा एजुकेशन में भी आप देखें डिफरेंट उसकी कैटेगरीज आ रही हैं, ठीक है, आप कहते हैं आपने सर वो अभी वाला आपने पॉइंट तो रोक दिया, मैं कहूँगा वो ढूंढ लेंगे हम, लेकिन अभी फॉर अ टाइम बीइंग समझो वाकई मैंने रोक दिया, एजुकेशन हो सकता है। एजुकेशन ही आप कहें नहीं सर मैं तो टैक्स का काम करता हूँ, मैंने टैक्स लिख दिया, टैक्स का भी आपको यहाँ पे पॉइंट मिल गया। जो आपके बिजनेस की नेचर है, जो कैटेगरी है, जो आप काम करते हैं, यहाँ पे आपने ढूंढा, आप कहें नहीं नहीं सर ये नहीं, मैं तो वकील हूँ, ठीक है, यहाँ पे लीगल पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपने रेलिवेंट कैटेगरी को चूज करना, याद रखिएगा ये कैटेगरी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, अगर आपने गलत कैटेगरी चूज कर ली तो नुकसान क्या होगा, समटाइम कुछ ऐसे टैक्सेस होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी एक्टिविटी की बेस पे भी ट्रिगर करती हैं, ठीक है, तो आपकी जो मोस्ट सूटेबल जो मोस्ट अप्रोप्रिएट कैटेगरी बनती है आपने उसको यहाँ पे ऑफ करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। या मैंने कहा जी ये मेरा तो काम ही लीगल एक्टिविटीज है, लीगल एक्टिविटीज को चूज कर लो, ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट डेट, हालांकि पीछे इसने एक्विजिशन डेट पूछ लिया, दोबारा स्टार्ट डेट पूछ रहा, खैर मैं वही वाली लिखा, ठीक है, खैर मैं सलमान को फिर अब एजुकेशन लिखा तो मैं लिखता हूँ सलमान कुरान अकेडमी, ठीक है, ओके कर दिया, ये बिजनेस ऐड हो गया लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इस बिजनेस का मुझे एड्रेस बताना है, एड्रेस बताने के लिए ये याद रखिएगा, मुझे आप 10 सवा बाद में भी फोन करके पूछेंगे सर ये एड्रेस नहीं ऐड हो रहा, मैं आपको दिखाता भी हूँ। अगर मैं इस फॉर्म को सबमिट करूंगा ना, याद रखिए ये देखिएगा सबमिट, तो एरर क्या आता है, कहते हैं रेजिडेंस हेड ऑफिस बिजनेस एड्रेस इन प्रॉपर्टी टैब मस्ट बी एंटर्ड बिफोर सबमिशन। ये प्रॉपर्टी टैब के अंदर, ठीक है, इन प्रॉपर्टी टैब के अंदर आप अपना एड्रेस बताइए, जब मैं देखूंगा जाके ये तो एड्रेस लिखा हुआ है, तो ये इस मिस्टेक का मतलब क्या है, इस मिस्टेक का मतलब है दोबारा बिजनेस पे आपने आना है, ये जिस बिजनेस का एड्रेस मैंने ना दिया, मिसाल तौर पर इस पे क्लिक करता हूँ ना, ये देखो ये बिजनेस का एड्रेस नजर आ रहा है, ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसका एड्रेस नहीं नजर आ रहा, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ इसका एड्रेस नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो एड्रेस नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जिसका एड्रेस नहीं नजर आ रहा उसका एड्रेस ऐड करने वाला है, लिखता है वो प्रॉपर्टी है लेकिन एक्चुअली में मिस्टेक कहाँ पे होती है, यहाँ पे, तो सर यहाँ पे लिखा ही नहीं जा रहा, कैसे लिखूं, भाई आपने यहाँ पे ऐड पे करने लिंक बिजनेस एड्रेस क्लिक करेंगे, हो सकता है कि ये जो एड्रेस दिए गए हैं इनमें से कोई एड्रेस हो सकता है कि अदर प्रॉपर्टी में जाके मुझे यहाँ पे वो एड्रेस बताना पड़े, यानी कि जहाँ पे बिजनेस हो रहा है, एक ही जगह पे 3 4 5 6 बिजनेसेस हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है, सोल प्रोप्रेटर है, मैंने एक छोटा सा ऑफिस लिया हुआ है उसके अंदर मैं वीजा कंसल्टेंसी भी करता हूँ, मैं लीगल एडवाइजरी भी किसी कंपनी की करता हूँ, मैं टैक्स का काम भी कर रहा हूँ, मैं साथ में 2 4 बच्चे आते हैं उनको पढ़ाता भी हूँ, तो ये आईन मुमकिन है, कोई मसले वाली बात नहीं है। और नया एड्रेस डालना हो तो ये कल वाली बात है, सबसे पहले प्रॉपर्टी कौन सी है जिसका एड्रेस आप शो करना चाह रहे हैं, कोई एजुकेशन प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, वॉट सोएवर जो भी कैटेगरी है यहाँ पे, आपका क्या मतलब है, मैं कहूँगा भाई जहाँ पे बिजनेस कर रहे हो वो जगह कैसी है, जहाँ पे आपने ऑफिस ले रखा है वो जगह कौन सी है, मैं कहूँगा लेट्स सपोज मैंने इंडस्ट्रियल एरिया में प्रॉपर्टी ली हुई तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, लेट्स सपोज, ठीक है, ये क्या है फैक्ट्री है, शेड है, वेयर हाउस है, वर्कशॉप है, कहाँ पे मैं काम करता हूँ, मैं किसी फैक्ट्री के अंदर बैठ के काम कर रहा हूँ, लेट्स सपोज, ठीक है। अच्छा उसकी मेजरमेंट कैसे होती है,
मैं कहता हूँ जी उसकी मेजरमेंट जो होती है ना एकड़ में होती है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर अगर एकड़ नहीं आ रहा, लेट्स सपोज एकड़ नहीं आ रहा, तो अदर से आप कर दो, ठीक है, कोई मसला नहीं है। कितने एकड़ की है? 2 एकड़ की फैक्ट्री है, ठीक है। अच्छा जी उसका एड्रेस बताना है, फैक्ट्री नंबर 5, ठीक है, स्ट्रीट नंबर 90, ठीक है, एरिया कौन सा है जी? इंडस्ट्रियल एरिया, सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट, ठीक है। सिटी यहाँ पे सर्च करेंगे, लिखा नहीं जाएगा, लाहौर, ठीक है, लाहौर लिखा। अब देखें लाहौर के अंदर इतना आ गया, मतलब अजीत भट्टी टाउन, कंटोनमेंट, दातागंज बॉक्स, फला फला फला। आपने इसमें से जो आपका रेलिवेंट टाउन बनता है आपने वो सिलेक्ट करना है, और मेरे जैसा कुछ सादा आदमी हो उसको पता ही नहीं है, वो क्लाइंट आपको बता ही नहीं सकता, काम आपके क्लाइंट का आपको बताना। सिंपल मैं लाहौर सेलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद कैपेसिटी में जाना है, कल भी आप लोग कह रहे थे सर बेनामी ये वो, भाई FBR ने ऑप्शन दिया है, लेकिन बेसिकली हमें ये देखना है ऑनर हो या अदर देन ऑनर हो। मैंने कहा यार मैं ऑनर तो नहीं हूँ, ठीक है, फिर दूसरी कैटेगरी 1%, ठीक है। यहाँ पे इसको ओके किया, यहाँ रखिएगा ये प्रॉपर्टी अभी वाली ये ऐड होगी, ठीक है। जब इसको टिक करके ओके करूंगा, अभी वो सिर्फ यहाँ पे आई है, आप भी यहाँ ओके करने से याद रखिएगा सलमान कुरान एकेडमी का एड्रेस भी यहाँ पे ऐड हो गया है। ये एड्रेस डालना जरूरी होता है, इसके बगैर प्रोसीड नहीं होता, ठीक है। लिंक में कुछ नहीं करना, अटैचमेंट में जाके आपने क्या काम करना है, सामान वो जो अपनी आपकी फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री नंबर जो हमने 15 लिखा है व्हाट्सएप, इसका हमने रेंटल एग्रीमेंट अटैच करना है, ठीक है। अगर नहीं है, मेरी अपनी फैक्ट्री है, वैसे तो मैंने अंदर लिख दिया कि मेरी अपनी नहीं है, अगर अपनी है तो फिर उसका ऑनरशिप प्रूफ अटैच करना है। कैसे अटैच करना है? यहाँ पे आप एड अटैचमेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे फाइल पे जाएंगे, इसके सामने यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद जहाँ भी व्हाट्सएप और जहाँ भी आपकी फाइल पड़ी हुई है आप उसको सिलेक्ट कर दीजिएगा। वैसे PDF वो अटैच होता है, एक JPG मैं से अटैच कर रहा हूँ, तो आपका क्या अटैच होता है? PDF। जब अटैच कर लेंगे तो ये ऑलरेडी अटैच है अभी, खैर मैं अभी उसको ओपन नहीं कर रहा, ये टेनेंसी एग्रीमेंट पहले अटैच हुआ हुआ है, यहाँ पे ऐसे शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने एक पेड यूटिलिटी बिल ऐड करना है। अच्छा बड़े सारे लोग, वैसे ये गलत प्रैक्टिस है, लोग वो खाली बुक भी वो लगा रहे होते हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, लगा रहे होते हैं। तो सर इस तरह से अभी इन्होंने एक साहब ने बताया, मैंने अभी क्या हुआ था और मेरे जहन में भी नहीं था, मैं आपको जरूर बोलूँ, बुरहान साहब कहते हैं सर जो आपका मिल्क है ये डेयरी प्रोडक्ट्स में आते हैं, एग्जैक्टली वहाँ पे डेयरी की कैटेगरी है, वहाँ पे आप वो चूज कर दीजिए। बैंक अकाउंट में सर याद रखिएगा, इफ आई एम अ बिजनेस पर्सन तो सेक्शन 114A बोलता है कि आप अपना बिजनेस बैंक अकाउंट बता दीजिए। आपने सर बिजनेस बैंक अकाउंट नहीं बताया तो क्या होगा? मैं कहूंगा जो आपके बिजनेस एक्सपेंसेस हैं वो आपके एक्सपेंसेस माने ही नहीं जाएंगे। क्या होगा? आपके बिजनेस एक्सपेंसेस माने ही नहीं जाएंगे, आप उनको माइनस कर ही नहीं सकते। क्या मतलब माइनस नहीं कर सकते? मैं उनको कहूंगा 200 रुपए की सेल हुई और जो है ना मैंने 100 रुपए की चीज खरीदी थी, वो कहता है मैं सेल को तो मानता हूँ, 200 तुमने बेची, खरीदी तुमने है ही नहीं, जीरो है। मैंने कहा ये क्यों भाई? उसने कहा आपने बैंक अकाउंट क्योंकि सेक्शन 114A ने बोला था शो करना और आपने शो नहीं किया, ये गलत है, ठीक है। अच्छा जी सर, इसलिए बिजनेस बैंक अकाउंट शो करना जरूरी होता है। आपने बिजनेस के अंदर जाके कैसे बिजनेस को ऐड किया, ये सोल प्रोप्राइटर के केस में, यहाँ पे आप गए, यहाँ पे आपने अपना बिजनेस का नेम मेंशन किया, एक्विजिशन डेट मेंशन की, आपने अपनी कैपेसिटी ओनर बताई, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे ऐड पे गए, ऐड पे जाने के बाद आपने प्रिंसिपल एक्टिविटी पे क्लिक किया, आपने सेक्शन पे गए, आपकी जो रेलिवेंट कैटेगरी थी आपने उसमें पूछ लिया, ठीक है, जैसे भाई कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा डेयरी भी नहीं आ रहा भाई, वैसे आ रहा है डेयरी में चाहिए, डेयरी भी नहीं आ रहा, ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, ढूंढना पड़ेगा कि किस कैटेगरी में वो लेकर गया होगा। तो यहाँ पे आपने एलिमेंट अपनी कैटेगरी को चूज किया, कैटेगरी को चूज करने के बाद सबको लिखा गया, यहाँ पे आपने अपनी डेट मेंशन कर दी, ठीक है, डेट मेंशन करने के बाद आपने ओके कर दिया। जब आप ओके करते हैं तो ये सारा कुछ लिखा हुआ आ रहा है, देन अगेन आप ओके करते हैं, ओके करने के बाद यहाँ पे बिजनेस ऐड हो जाता है, फिर बिजनेस के बाद उसका एड्रेस डालना होता है, एड्रेस के लिए इसके सामने लिंक बिजनेस एड्रेस पर क्लिक करते हैं। जब लिंक बिजनेस एड्रेस के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो सर उसके बाद आपका यहाँ पे एड्रेस भी अपियर हो जाता है, जिस बिजनेस पे आप क्लिक करेंगे उसका जो एड्रेस होगा यहाँ पे नीचे शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये था मॉडिफिकेशन वाला, जब आप इस तरह बिजनेस को ऐड कर लेंगे सर अटैचमेंट हट जाएगा। अटैचमेंट में मेरे भाई ये जो अटैचमेंट का टैब है इसके अंदर आपने, ये लोग ब्लैंक पेज भी लगा रहे होते हैं, मतलब और FBR भी देख रहा होता है, ठीक है, हालांकि ये गलत प्रैक्टिस है। तो यहाँ पे हमने जहाँ पे सर बिजनेस इसी को, फॉर्म को डाउनलोड करके भी लगा देते होते हैं बाद। जी जी एग्जैक्टली इसी फॉर्म को भी लगा देते हैं, बिल्कुल लगाते हैं,
वो अगर असली तौर पे देखा जाए ना तो वो ये वाला है, ठीक है, वो ये वाला है, ठीक है, जो आप कह रहे हैं। अच्छा जी, आप रेंट, ये बिजनेस प्रेमिसेस का आप वो जो रेंटल एग्रीमेंट है वो लगाते हैं अगर आपकी अपनी है, जहाँ पे बिजनेस आप कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है, और अगर आपकी अपनी नहीं है तो रेंटल एग्रीमेंट, उसके बाद पेड बिल आप यहाँ पे अटैच कर देते हो, ठीक है, असली तौर पर। उसके बाद आपने सिंपली सबमिट का बटन दबाना है, जब आप बटन दबा देंगे तो प्रोफाइल में बिजनेस ऐड हो जाएगा। अभी मैं बटन दबा नहीं रहा, पहले मैंने इतनी दफा मॉडिफाई कर दिया है कि कभी FBR वाले कहना है भाई तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, अगर मैं दिखा भी दूँ कंप्लीट टास्क में, ये देखिएगा ये कितनी दफा आ रहा है कंप्लीटली टास्क के अंदर, ये कोई 18 दफा आ रहा है मेरा फॉर्म, ठीक है, यह फॉर्म 18 दफा नहीं है, 9 दफा है। जब मैं फॉर्म एक दफा सबमिट करता हूँ ना, कल आपको याद होगा मैंने कहा था आपको रजिस्टर्ड कौन करता है FBR में, फॉर्म तो हम खुद सबमिट करते हैं, FBR का कौन सा बंदा है जो आपका फॉर्म अप्रूव करता है, वो था कमिश्नर। कौन सा कमिश्नर, जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन होती है आपके केस की। ज्यूरिसडिक्शन कैसे डिटरमिन होती है, जो आप एड्रेस बताते होते हो, ठीक है, जब आप फॉर्म सबमिट करते हो तो वो आपका केस उसको असाइन हो जाता है, लेकिन पोर्टल में क्या बना हुआ है कि पोर्टल आपका ऑटो में फॉर्म अप्रूव कर देता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी कि वो ऐसे ही समझा समझा जाता है कि जैसे एक कमिश्नर साहब ने आपके फॉर्म को अप्रूव कर दिया, क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया। तो ये जब 18 बने हुए तो उसका याद रखिएगा, ये 18 दफा मैंने फॉर्म सबमिट नहीं किया, मैंने 9 दफा किया हुआ है स्टूडेंट्स के साथ ही, ठीक है। अब मैं नहीं कर रहा जैसे आपके साथ नहीं कर रहा, कुछ बैचेस के मैंने कहा यार ये एमए बार बार करना भी मुनासिब बात नहीं है कि ये तो लाइन लग जाएगी, तो ये एक दफा फॉर्म सबमिट होता है, ये देखे फॉर्म, और दूसरी दफा उसके ऊपर क्या आता है, ऑर्डर आता है, ऑर्डर फॉर ग्रांट या रिफ्यूजल। देखिए नॉर्मली ग्रांट ही होता है कि आपका वो फॉर्म जो आपने सबमिट किया वो क्या हो गया, अप्रूव हो गया। ये कहाँ पे आ रहा है, शायद याद रखिएगा, जब मैं कंप्लीट टास्क के ऊपर खोलता हूँ क्लिक करता हूँ तो कंप्लीट टास्क के अंदर जो सब टास्क है वो खुल जाते हैं। मिसाल के तौर पर इसके अंदर डिक्लेरेशन है, आपकी रजिस्ट्रेशन है, ऑडिट असेसमेंट है, इन चीजों को वन बाय वन हमने डिस्कस करना है, एक चीज को लॉ को तो करेंगे करेंगे, पोर्टल को एक एक बाई एक चीज को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन टैब को। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के अंदर फिर ये मेरा फॉर्म पड़ा हुआ, मिसाल के तौर पे लास्ट फॉर्म को क्लिक करता हूँ, लास्ट फॉर्म के अंदर मैंने कौन सा बिजनेस ऐड किया था, ये जी लेट्स कंपनी वाला किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, अच्छा अब आपको नजर आ रहा होगा कि ये भी एक नजर आ रहा है कॉल ऑफ कॉर्पोरेट टैक्सेशन, लेकिन जब हम प्रोफाइल में जाके देखते हैं तो ये वाला मेरा बिजनेस शो नहीं हो रहा, इसको यानी कि बआसानी डिलीट भी किया जा सकता, लेकिन सब्जेक्ट टू के वो बिजनेस सेल टैक्स में आपने रजिस्टर ना करवाया हो। दूसरा तरीका इन्वेंट्री को ऐड या व्यू करने का, पता है क्या, ये एक तरीका हो गया है, कहाँ से, यहाँ से आपने सबमिट कर दिया आपकी प्रोफाइल में आ जाएगा, कैसे आ जाएगा ये मैं आपको दिखा देता हूँ। FBR पे गए, याद होगा कल आपको दिखाया था, ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल पे गए, ठीक है, यहाँ पे सर टैक्स पे प्रोफाइल इंक्वायरी पे गए, ठीक है, यहाँ पे गए CNSE अपना मेंशन किया, ठीक है, व्हाट्सो एवर जो भी है वेरीफाई किया, ये सर देखिए ये बिजनेसेस आ गए 1 2 3, ठीक है, इनकी कौन कौन सी वो कैटेगरी है, ये वो है, ठीक है, ये बिजनेस किस जगह पे रजिस्टर्ड है, मैंने एक ही जगह फिलहाल कराची की शो की हुई है, ठीक है, मिसाल के तौर पे। तो ये चीज़ें आपकी आ रही हैं। अच्छा याद रखिएगा यहाँ पे RTO सही वाला है, लेकिन एड्रेस कौन सा है, ये वाली भी बात मैंने कल आपको क्लियर कर दी थी। अच्छा एक और बात याद रखनी है, ये भी बता दो, ये इनकम टैक्स में यहाँ पे एक्टिव लिखा हुआ आ रहा है, पर ये धोखा भी हो सकता है। क्या मतलब धोखा हो सकता है, यहाँ से आपने किसी बंदे को चेक करना हो एक्टिव है कि नहीं है, किसी बंदे का स्टेटस लेना हो तो कहाँ से चेक करना है, सर आपने इसी FBR की वेबसाइट पे ऑनलाइन वेरिफिकेशन पे आके ये जो फर्स्ट वाला टैब नहीं है, ये एक्टिव एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, यहाँ पे जाना है, कहाँ पे, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, यहाँ पे जाके सर आपने CNSE पे जाना है, ठीक है, CNSE पे गए, डेट मेंशन की, मैं आज चेक करना चाह रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन करूंगा कि डेट क्यों ये पूछता है बाद में कभी, ठीक है, वेरीफाई किया सर, ठीक है, ये देख लीजिए अब आ रहा है एक्टिव, ठीक है, ऐसे चेक करना है। दूसरा तरीका क्या है, कहते हैं आप ATL लिखो अपने मैसेज पे, स्पेस दो, स्पेस देने के बाद आप अपना CNSE नंबर मेंशन करो, जैसे ये है ATL स्पेस CNSE नंबर एंड सेंड कर दो 9966 के साथ, तो FBR आपको मैसेज भेजेगा आप एक्टिव हो कि नहीं हो, क्या है, एक्टिव हो कि नहीं हो, ठीक है। चलिए आज एक और आपको पॉइंट बता देता हूँ, किसी भी रजिस्टर्ड कंपनी का NTN चेक करना हो ना, किसी भी रजिस्टर्ड कंपनी का NTN ढूंढना हो, तो हम बआसानी ढूंढ सकते हैं, क्या हो वो कंपनी हो और कंपनी लॉ के तहत रजिस्टर्ड हो। आप कहें सर किसी और इंडिविजुअल AOP का ढूंढना हो तो हम ढूंढ सकते हैं, मैं कहूँगा हम ढूंढ सकते हैं, हमें उसका एड्रेस पता हो या उसका नाम, अगर नाम और एड्रेस पता हो तो बेहतर है, ठीक है,
कंपनी को दफा छोड़ दो, अगर मैं हूं ना, अगर आप मेरा एंटीएन ढूंढना चाहते हैं ना, यार ये बंदा वाकया में एक्टिव है कि नहीं है, आपको ये समझ आ गई कि सर का आरटीओ जो है ना, मिसाल तौर पे आप सीएनएसी भूल गए, आपने कहा सर का हम चेक करते हैं कि इनका सीएनएसी नंबर क्या है, तो मेरा सीएनएसी नंबर बासानी ढूंढ सकते हो। कैसे? हाँ भाई एटीएल पे जाओ, यहाँ पे पड़ा हुआ है 1 मिनट, एक्टिव, हाँ ये एटीएल आ रहा है, एक्टिव टैक्स पे लिस्ट, यहाँ पे गए, ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद सर चेक एक्टिव टैक्स पे स्टेटस, यहाँ पे गए, यहाँ पे जब क्लिक किया सर ये एटीएल पड़ा हुआ है एक्टिव टैक्स पे लिस्ट, इस लिस्ट के अंदर, इस डायरेक्टरी के अंदर उन सब लोगों के नाम शामिल हैं जिन लोगों का नाम, जो लोग रिटर्न फाइल करते हैं टाइम पे फाइल की या लेट फाइल की, लेकिन सेक्शन 182A के तहत पेनल्टी पे कर दी, ठीक है, तो यानी कि इसको आपने डाउनलोड करना है, इससे ढूंढ लेना। आप कहें सर ये तो इंडिविजुअल एओपी के लिए बहुत बड़ी फाइल होती है, लंबा काम हो जाता है, क्या हम वन बाय वन ढूंढते रहे? तो मैं कहूंगा यार कोई मसला नहीं है, कंपनी का आपको बहुत शॉर्टकट बता देता, कंपनी का क्या शॉर्टकट है, मिसाल के तौर पे आपको हम कॉलेज की बात करते हैं, कॉलेज का एंटीएन ढूंढना है, इसी कॉलेज का ढूंढना है, कैसे ढूंढें कॉलेज? अच्छा इस पे लिए आपने जाना है एस, ये लोग कहते हैं जी हम कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड हैं, कंपनी नेम सर्च, ठीक है, यहाँ पे जाओ, ठीक है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐसे मैं दिल क्या बता दूँ, कंपनी नेम सर्च पे क्लिक करो, यहाँ पे लिखो जी कॉलेज ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन, जब सर्च किया शो हो गया कि भाई जान ये कब रजिस्टर्ड हुआ, क्या हिसाब किताब है, ठीक है, यहाँ से हमने ढूंढ लिया। अच्छा ये इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने आ गया 021-2629, ये क्या है, ये वो नंबर है जो एससीसीपी ने इन्हें अलॉट किया हुआ है, जिसकी बेस पे ये लोग रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, लेकिन अब इनका हमने एनटीएन ढूंढना है, एनटीएन तो इनके पास नहीं होगा, ठीक है, वो तो एफबीआर देता है, तो हम फिर जाएंगे एफबीआर की वेबसाइट, ठीक है, दोबारा इसमें अगेन टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी के ऊपर ही क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आके आप क्या करो, रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन नंबर पे क्लिक करो 021-2629, सर ये देखिए आपके सामने प्रॉपर इसका एड्रेस और सारी चीज़ें ढूंढ के दे दी, ठीक है, मोबाइल नंबर, ईमेल और सब कुछ आपके सामने आ, ठीक है, यानी कि आप किसी भी कंपनी का, आप कह नहीं नहीं ये तो आसान सा, आप किसी और का बताएं, आप यहाँ से किसी भी कंपनी का ढूंढ सकते हो, ठीक है, आप यहाँ से ये देखो जितनी कंपनियां आ रही हैं, कोई भी कंपनी जो कंपनी रजिस्टर्ड है, आप कहें सर कंपनी के अलावा, तो भाई मैंने बताया बाकी अगर इंडिविजुअल का ढूंढना हो ना, आपने मेरा नाम सोचा आपको पता चल गया कि सर का नाम ये एड्रेस ये है, ऐसे नहीं कि आप फर्जी, हाँ ये भी हो सकता है आपको लगता है कि इस नाम का बिजनेस ही एक है, उसको स्पेसिफिकली आपके पूरे पाकिस्तान में आपके बिजनेस है ही नहीं ऐसा, तो आप एटीएल डाउनलोड कीजिए, एटीएल से ढूंढ लीजिए, ठीक है, तो सर किसी बंदे ने जब बिजनेस ऐड किया होता है तो इस तरह बिजनेस उसका यहाँ पे शो हो रहा होता है, कोई इंडिविजुअल हो या कंपनी, कंपनी का तो ऑब्वियसली बिजनेस ही है, इंडिविजुअल का हो रहा था। अब हम कुछ सैलरी वाला बंदा भी देख सकते हैं जिस बंदे का यहाँ पे शो ना हो, ठीक है, जो बंदा सैलरी पे हो उसका यहाँ पे फिर कोई बिजनेस शो नहीं होगा, ये तो फिर समझो बिजनेस पर्सन हो गया, ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना, किसी नो भी सर, बंदे नो किसी सर, नो सर, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप पूछ लीजिए, हैंड रेज कर दीजिए ताकि मैं आप लोग को रिस्पॉन्ड कर दूं अभी लगे हाथों। जी उसामा खान, सर सवाल ये है ना कि अभी आपने कहा है कि वो जो हम करियाना वो जो रजिस्टर कर रहे थे ना डेट, तो हाँ आपने कहा है कि उसी उससे उससे पिछले साल की हम वो फाइलिंग करेंगे, वो समझिए मुझे पिछले साल के रजिस्टर। लिए मैंने कहा जिस साल का आप किसी भी क्लाइंट पर रजिस्टर्ड करेंगे, जो टैक्स ईयर बता रहे हैं कि एक्विजिशन डेट बिजनेस की क्या है, तो उस साल की रिटर्न आपने फाइल करनी है, अगर मैं आप 24 का कह रहा हूँ तो 24 के बिजनेस रिटर्न मेरा फाइल होगा, ठीक है, नॉर्मल रिटर्न फाइल होगा, अगर मैं कह रहा हूँ अगर 2023 कहता हूँ तो मेरा 2023 का रिटर्न बिजनेस रिटर्न होना चाहिए। अच्छा, और रिटर्न फाइल हो चुकी हो फिर सर, हाँ? रिटर्न फाइल हो चुकी हो और बिजनेस बाद में स्टार्ट कर रहे हो तो उसी भाई साल फिर भाई उस साल का ना और अमेंडमेंट अगले साल से कर लो, अगर कर चुके हैं फिर आप एक तरफ आप कहते हैं मैं बिजनेस करता हूँ और दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं, आप शो नहीं कर रहे, ठीक है, ठीक जी। बेहतर सर, है फिर नेक्स्ट ईयर स्टार्ट, नेक्स्ट ईयर में उसमें वो करेंगे सर, है ना, इंसर्ट करेंगे।
जी सर जी मेरा एक क्वेश्चन, जी सर मैं आपने जिक्र किया था सर कि अगर एक बंदे के नाम पर एक या एक से ज्यादा बिजनेसेस हों और वो ये चाहता है कि मेरा कोई एक बिजनेस जो है वो उसको मैं वाइंड अप कर दूं और कोई और बिजनेस जो है ना उसको मैं जारी रखूं, तो उस सूरत में क्या करना चाहिए फिर? हो सकता है सर उनका कोई मतलब इस तरह अभी वाइंड दिखा अप देता हो जाता है हूँ, अभी दिखा देता हूँ, अभी 1 मिनट। अभी आपको दिखा देते हैं, 1 मिनट। अच्छा जी, लेट्स सपोज मैंने क्या किया जी, यहाँ पे अपनी प्रोफाइल ओपन कर लेता हूँ। सर मैंने ये प्रोफाइल अपनी ओपन की, यहाँ पे गए प्रोफाइल के ऊपर गए, ठीक है। और उसके बाद सर हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। ये बिजनेसेस सारे आ रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे, इसमें से जिस बिजनेस को डिलीट करना है, ये एक सिंपल डिलीट का बटन है, सब्जेक्ट टू के वो बिजनेस सेल टैक्स के अंदर वो रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। अगर आपने बिजनेस को सेल टैक्स में रजिस्टर्ड, आपको समझ आ रही है भाई? यहाँ पे आप डिलीट का बटन मत दो, ठीक जी है। सर आ रही है। और ये प्रोफाइल में जब टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी करोगे ना, यहाँ पे नीचे भी नहीं आएगा, यहाँ पे बिजनेस से डिलीट हो जाएगा। जी सर यहाँ पे जो बिजनेस में डिलीट कर दूंगा, यहाँ से गायब हो जाएगा, सर एक ठीक चीज है। और सी, अगर उसमें कोई ट्रांजेक्शन भी हुई भी हो तो फिर उस सूरत में क्या कोई इश्यू तो नहीं आएगा कि बैंक में कोई ट्रांजेक्शन हो उस बिजनेस के नाम पर, तो क्या एफबीआर उस पर कोई आर्ग्यू तो नहीं करेगी? असली तौर पर सर हर बिजनेस की ट्रांजैक्शन अलग रखें, उसका हर बैंक अकाउंट अलग बनाएं, पर्सनल को अलग रखें, बिजनेस को अलग रखें। बिजनेस में भी अगर एक से ज्यादा बिजनेस है तो हर बिजनेस का अलग होना चाहिए। आरबू एफबीआर के पास बिल्कुल राइट है कि आपको वो आरबू कर सकता है, ठीक है। तो आपका काम है फिर, आप अगर बाइंडिंग आप भी कर रहे हैं अपने बिजनेस की, तो उसकी ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट करें एफबीआर को, जी सर, ठीक है। उसका भी कोई क्या वे है सर? वे सर उसका भी कोई वे है मतलब उसको एफबीआर को रिपोर्ट करना होगा कि मैं ये रिपोर्टिंग, वाइंड अप करना अभी चाहता हूँ? रिपोर्टिंग तो हमने पढ़ी नहीं है ना, अभी तो हम बस अभी एक जी बिजनेस, जी 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 ये कॉर्पोरेट का एरिया, ठीक टैक्स का एरिया तो है ही नहीं समझो, अभी टैक्स का जी एरिया नहीं ठीक है। ठीक सर ठीक ओके अच्छा जी, सर, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है सर। जी। अगर जैसे हमारे बिजनेस नेम जो है वो 3-4 हैं, वो जो एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं वो और बिजनेस की अलग होगी, या ओवरऑल जो नेम है उसकी जो है वो एनुअल रिटर्न सबमिट वो करेंगे? ठीक रिटर्न के ऊपर आगे करेंगे, बेफिक्र रहो, ठीक है। वो इकट्ठी है होती है, ठीक है, सोल प्रोप्राइटर की इकट्ठी होती है, वो बताऊंगा। अच्छा जी, मोहम्मद इसरार आलम। जी जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर कि एक सैलरी पर्सन जो है तो वो कब रिटर्न करेगा, यानी कि वो अब इनरोल करना चाहता है तो वो कौन सी डेट से करेगा, जिस डेट से उसकी जॉब हुई है, या इसी 23 से भी कर सकता है क्योंकि वो ऑलरेडी टैक्स तो पे कर रहा है? मैंने आपको पहले बताया था कि लाजमी नहीं है कि इलीगल एक्टिविटी से कमाया गया पैसा ही वो आपका मतलब ब्लैक हो, ठीक है, या वो इलीगल हो, ठीक है, या वो वाइट नहीं हो सकता। जो आपका वाइट मनी है, लेट्स सपोज मैं जॉब करता हूँ, मेरा टैक्स कट जाता है, लेकिन मैं एफबीआर को शो नहीं करता, तो ये मेरे पैसे भी ब्लैक मनी है, ठीक है, ये डिक्लेयर्ड मनी नहीं है, गवर्नमेंट को बताई गई मनी नहीं है, ठीक है। जब मैं, आप समझे कि अगर मेरे पास 500 रुपए भी आ रहा है ना, मेरा काम बनता है असली तौर पे, मैं एफबीआर को बताऊंगा, ठीक है। पर साल के मैं 6 लाख कमाता हूँ, 6 लाख के ऊपर टैक्स नहीं है, तो मैं वो भी शो करूंगा। अगर आप मुझे पूछेंगे, आप कहेंगे सर क्यों शो करेंगे, टैक्स तो है नहीं, मैं कहूंगा ये 5 साल के बाद यही 6-6 लाख इकट्ठे होते, अगर ये 30 लाख बन गया, उसमें सपोज करें मैंने 50% ही लगा लेता हूँ, 15 लाख खा लिया, 15 लाख मेरे पास अभी सेविंग पड़ी हुई है, ठीक है। 11 के 15 लाख का कल को मैं गाड़ी ले लेता हूँ, ठीक है, या मैं कोई चीज ले लेता हूँ। एफबीआर ने कहना कि यार तुम्हारे पास कुछ है नहीं, रिटर्न के अंदर तुम जीरो, मिसाल तौर पर जैसे कुछ लोग जीरो की रिटर्न फाइल कर देते हैं, बाद में चीज लेते हैं, उनके पास पैसे वैसे होते हैं, लेकिन बाद में उनको एक्सप्लेन करना और रिकनसाइल करने मुश्किल हो जाता है। याद रखें कि आपके नहीं पास नहीं जितने पैसे आ रहे हैं आप उनको डिक्लेयर भी करें, और रिटर्न फाइल करने की बात है, ड्यू डेट्स अलग हैं, वो खैर हमने बाद में देखनी है, जैसे 30 नंबर है सेक्शन 118 बताता है। लेकिन असूली तौर पर आपका रिटर्न, अगर आज आप कहते हैं आज में टैक्स एप्लीकेबल है ना, तो रिटर्न ऐसा नहीं होता, वो कहता है कि 28 दिसंबर से रजिस्टर्ड करो, वो कहते हैं रजिस्टर्ड आप आज कर रहे हैं, लेकिन किस टैक्स ईयर के लिए रजिस्टर्ड कर रहे हैं, 2024। 2024 कब से स्टार्ट हुआ? 1 जुलाई से।
तो आपने गवर्नमेंट को कब से कब का हिसाब देना है, 1 जुलाई 2023 से लेके 30 जून 2024 तक, ठीक है? थैंक ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। यू। आमिर, आमिर वसीम। चलें जी, आमिर वसीम साहब खामोश है जी। अफजाल साहब आप मुझे सुन रहे हैं, काइंडली मुझे बताइएगा। सर अफजाल, हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। जी सर, आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, मतलब एक तो आप मुझे सर ना कहें क्योंकि आप मेरे साथ, अच्छा तो और आपको पता है आज मेरे अल्फाज भी ऊपर नीचे हो रहे हैं आपकी मौजूदगी में कि मेरे उस्ताद साहब। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया चीजों को, बड़ा वेल प्रोफेशनली वे से आपने किया, दैट्स वेरी गुड। सर आपकी मोहब्बत है। सर मैं ये चाहूंगा कि FBR के ये जो एरिया हमने थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश की है, इसके मुतालिक आपके आज तक जो डिफरेंट चीजें आपने मार्केट में देखी हैं या आपने डिपार्टमेंटल बिहाफ पे देखी है, तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। ये जितना भी एरिया आपने सर इसमें डिस्कस किया है ना, इसमें एक दो चीज़ें ऐड करने वाली हैं। वो मुझे आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, काफ़ी चीज़ें कवर कर दी हैं। एक तो इसमें ये है कि जो आप सेक्शन बता रहे थे 114A की बात कर रहे थे कि जी जी ये बैंक का अब जो है वो हर बिजनेस जो एंटिटी है वो अपना अकाउंट ऐड करेगी। ये जी बेसिकली ज़रूरत कब पेश आई थी कि जब बहुत ज़्यादा रिफंड इशू हो रहे थे, ठीक और है जी रिफंड को जब डिपार्टमेंट ने इलेक्ट्रॉनिकली उन टैक्स पेयर्स के अकाउंट्स में क्रेडिट करना चाहा, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोगों के जो बैंक अकाउंट्स हैं वो डिक्लेयर्ड ही नहीं है। तो उन्होंने फिर एक नया डिपार्टमेंट ने एक नया सेक्शन इंसर्ट किया 114A, उसमें उन्होंने टैक्स पेयर जितने भी बिजनेस एंटिटीज हैं उनको बाउंड कर दिया कि आपने वहां पर अपना कंप्लीट बैंक अकाउंट नंबर शो करना है। अब जिसने भी डिपार्टमेंट हमारा रिफंड कर रहा है वो डायरेक्ट टैक्स पेयर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं, और वो उन बैंक अकाउंट्स में क्रेडिट हो रहे हैं जो उन्होंने 114A के सेक्शन के अंडर जो उन्होंने टैब फिल की है उसके अंदर वो उनके बैंक अकाउंट्स में क्रेडिट हो रहे हैं। तो ये सेक्शन बेसिकली बाद में इंसर्ट हुआ था, वो भी सिर्फ एक रिफंड इशू आया था। और इसके अलावा इसकी बड़ी और भी इम्प्लीकेशंस हैं, सेल्स टैक्स में काफ़ी इम्प्लीकेशंस हैं। वहाँ पर आपको ये डिक्लेयर करना लाजमी होता है कि जितनी आपने परचेजेस की हैं क्या वो इसी बैंक अकाउंट के थ्रू आपने वो सारी परचेजेस की हैं। तो ये एक चीज़ इसमें ये आप ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल सही हो गया सर। ये मैंने, ये टैक्स ये 2022 में आया है, ये मैंने खोला भी हुआ है, ठीक है, जी 14 A ये जब को। जी इलेक्ट्रॉनिक रिफंड आ गया ना, तो अकाउंट्स में डायरेक्ट हम क्रेडिट कर रहे हैं। हम जस्ट एक ऑर्डर जो है वो सबमिट करते हैं 174 का, तो वो उस बंदे के विद इन ड्यू टाइम जो है ना वो पैसे उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। अच्छा सर, दूसरे नंबर में मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूंगा, ये जो ये आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो आपने बताया कि रिफंड वाला पॉइंट हो गया, ये जो मैंने इनको बताया कि जिस साल के लिए आप मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि सर इस जी प्रैक्टिकल में बड़ी सारी गलती देखी है कि लोग 2022 की मॉडिफिकेशन करते हैं लेकिन 2022 की जब रिटर्न देखते हैं तो उस सैलरी की रिटर्न होती है। 2023 में भी बिजनेस शो नहीं किया, 24 में आगे शो कर। ये वाकई ही आप ठीक कह रहे हैं। ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है कि आप स्टार्ट डेट कुछ और लिख रहे हैं और अपने पर्टिकुलर्स जो आपने फिल किए हैं इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न वो कुछ जी और हैं। तो इन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, अदरवाइज जब आपको ऑडिट सिलेक्शन होती है तो इनमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो ऑब्जर्व हो जाती हैं। क्या आप बिजनेस आपने स्टार्ट किया हुआ है लेकिन आप अपनी रिटर्न्स अपने बिजनेस के हिसाब से नहीं दे रहे हैं, तो इन चीजों का वाकई आपसे ही पॉइंट आउट किया आपने ये ऑडिट में बिल्कुल। और एक और चीज जो एक स्टूडेंट ईयर का डे स्टूडेंट कह रहा था उसमें यह है कि डिसकॉन्टिन्यूशन ऑफ बिजनेस, अगर आप कोई बिजनेस डिसकॉन्टिन्यू करते हैं तो लॉ कहता है कि आपने उसका जो पार्शल है, जो आपका जितना अर्सा आपने उस साल के अंदर टैक्स ईयर के अंदर आपने काम किया है, आप सिर्फ उतना ही अर्से की रिटर्न देने के जो है पाबंद हैं। ये सेक्शन में लिखा हुआ है, 114 है उसके सेक्शन मेरे ख्याल है। सेक्शन जी 117 सर। जी जी 117, बिल्कुल। ये डिसकॉन्टिन्यूस ऑफ बिजनेस आपने उसको कमिश्नर को इन्फॉर्म भी करना है और उसमें बताना भी है और उसकी रीजंस भी बतानी है, और फिर आपने उसकी जितना आपने पार्शल उसमें काम किया है वो आपने अपना रिटर्न की फॉर्म में देने भी हैं।
जी डियर स्टूडेंट्स, मैं सर अफजान साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इसके अलावा कोई पॉइंट है आपका इन एरियाज में से जो अभी हमने डिस्कस किए? नहीं जबरदस्त, बाकी इशारत वेल डन, बाकी बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया चीजों को। चलिए, थैंक यू सो मच। सर, लोग सो जाते हैं ये ऑनलाइन क्लास में, तो मैं थोड़ा सा ना चीखता ज्यादा हूँ। थैंक नहीं, जबरदस्त काम किया आप। यू सो मच सर, थैंक यू। क्वेश्चन है बैंक से रिलेटेड, बैंक अकाउंट से जी जी रिलेटेड। जी तो शिव सर, पर सपोज मेरा बिजनेस है और मेरे जो इम्प्लॉयज है मैं उसको डेली वेजेस के हिसाब से मैं उनको पे करता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरी कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मैं उनको डेली वेजेस देता हूँ। कभी कभार इम्प्लॉयज मेरे काम आते हैं, कभी नहीं आते, तो मेरा वीकली तो कोई परमानेंट मंथली का सिस्टम नहीं होता। डेली वेजेस मैं उनको देता हूँ, तो मैं उनको चेक विड्रॉ करूंगा या डायरेक्ट कैश भी उनको पे कर सकता हूँ? इस केस में सर अगर देखें डेली वेजेस वालों को, ना तो आपसे वो चेक लेंगे, ना प्रैक्टिकली हम उनको चेक दे रहे होते हैं, ठीक है। वो तो आप कैश करवाएंगे उसके लिए, हाँ आप कोई एक शीट अपनी बना लीजिए, कोई अटेंडेंस शीट, ठीक है। उनके सामने उनका नेम, कोई CNSE नंबर, कोई मोबाइल नंबर, कोई ऐसा सिलसिला बना लीजिए, ठीक है। तो आप उनको कैश में दे दीजिए। मेरी तो यही ऑब्जर्वेशन है कि जो मैंने देखा भी है, ऑडिट भी हम लोगों ने किए हैं, तो उसके ऊपर हमने कभी नहीं देखा कि चेक दिया गया हो, ठीक है। आपकी वीकली पेमेंट हो, क्योंकि जहरी तौर पर एक जो डेली वेजर होता है वो मैक्सिमम क्या होता है, 2 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ते के लिए आपके साथ काम करने के बाद चला जाता है, तो हम कभी भी नहीं चेक देते। और बेचारा यही डेली बेस पे बेचारा हैंड टू माउथ होता है, रोजाना करता है सर वो आज कितने, ठीक है। यानी कि हमें जस्ट उनके लिए रिकॉर्ड बनाना होगा और वो हमें विड्रॉवल शो करवाना चाहिए। जो मैंने विड्रॉ किया ये इसलिए किया, मैंने इन एम्प्लॉयज को पेमेंट की हुई है, बाकी हाँ उनके जी अकाउंट्स वगैरह की डिटेल नहीं है। जी जी अफजाल साहब, सर इस पे काइंडली आप बताएंगे, ये जो पॉइंट इन्होंने अभी पूछा है ये डेली वेजेस वाला, इस पे सर कोई अपना सर इनपुट एक दीजिए क्वेश्चन से रिलेटेड ही है। जी। यार एक मिनट यार, आप पर मैं कान अभी टाइम दिया करो ना, कभी देखें मैं आपके एक बंदे को ऑन बोर्ड करके बैठा हुआ हूँ, उनकी मेहरबानी है अपना टाइम निकाल के बैठे हुए हैं आप, अपना वो आ जाते हैं, बिल्कुल आपको जवाब दूंगा, लेकिन उनसे अभी इनपुट ले लेना। आई एम सॉरी जी उन्होंने आवाज, पूछा। जी 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 सर, आवाज आ रही, जी आवाज जी आ आ रही रही है है, आपको? अच्छा, बिल्कुल आ रही है। इसमें यह है कि एक सेक्शन है हमारा 21। अब जितने भी बिजनेस एंटिटीज हैं उसको सेक्शन 21 की कंप्लाइंस करनी है। अब सेक्शन 21 के कुछ सब सेक्शंस हैं, उसमें जो ये बात की है इन्होंने, ये सेक्शन 21L है सब सेक्शन। अच्छा, इसमें ये है कि अब लॉ ने ये कहा है कि आपने जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंसेस करने हैं वो आपके, अभी ये लिमिट पहले थी 50,000, ये 250 हो गई, अब ये रिवाइज कर दिया उन्होंने। अब सेक्शन 21 निकाल लें, 21L निकाल लें जरा। जी जी सर, मैं निकाल रहा हूँ, मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ, डिडक्शन नॉट अलाउड, वो सर्च ही नहीं करना था मैंने, इसको ढूंढ रहा हूँ। जी 21L में आएंगे। डियर स्टूडेंट, सर अफजाल बकायदा प्रैक्टिकल के नोट्स आपको सेंड किए जाते हैं, ठीक है, उनका हिस्सा है, और ये उस वक्त तो हम बड़ी इनको बुरा भला कह रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन अभी ये हमारे साथ माशाल्लाह से इनकी मोहब्बत है, बड़े इमोशन है मेरे, ये हमारे साथ मौजूद होते हैं तो डिफरेंट ये चीज़ें बता रहे होते हैं। जी सर, ये खोल लिए तो फायदा नहीं इस चीज़ का। यहाँ पे 21L में ये जी देखें, जी इसको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा। अच्छा, एनी एक्सपेंडिचर फॉर ट्रांजेक्शन पीरियड पेबल अंडर ए सिंगल हेड, इस तरह इनका एक सिंगल हेड है वेज अकाउंट। एग्रीगेट एक्सीड कितना, 2,50,000, और 2,50,000 ये थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ेंगे नीचे तो ये 50,000 था। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जितनी भी 2,50,000 में सिंगल हेड से ज्यादा पेमेंट करनी है, जिस तरह एक वेज अकाउंट है, तो आप सालाना जो है वो 2,50,000 रुपए तक आप कर सकते हैं, ठीक है, कैश की फॉर्म में आप पेमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा की पेमेंट करेंगे तो बाय लॉ, लॉ कहता है कि आपने उसकी जो पेमेंट करनी है वो क्रॉस चेक के थ्रू करनी है। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर डिपार्टमेंट आपके ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं इनको नहीं मानेगा और वो आपकी इनकम में ऐड कर देगा, और इस तरह से वो आपकी टैक्सेशन और बढ़ जाएगी। जी जबरदस्त सर, जबरदस्त, माशाल्लाह से बड़ा तो प्रैक्टिकली सारा टच दे रहे हैं, ठीक है, तो आई जिस बिलीव तरह फॉर एग्जांपल एक believe... वेज अकाउंट है, तो आपने 10 लोगों को पे किया है, ठीक है, एक साल के अंदर। अब ये 10 लोगों को जितना आपने पे किया है, अगर तो आपने इसको इनको 10 लोगों की जितना भी पे किया उनको सम करें और वो 2,50,000 रुपए से ज्यादा हो जाए, तो फिर वो आपको नॉट अलाउड में, लॉ कहता है कि वो नॉट अलाउड है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए।
ये इस साल के लिए, इससे पहले 50,000 की ये लिमिट थी, ये लिमिट इन्होंने इनहांस की है अभी। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी ये जो चीजें हैं ना, जो मेरा भी दिल करता है, ये जो चीजें सर भी आए हुए हैं साथ में, तो ये चीजें थोड़े से ना हमारे एडवांस के टॉपिक हैं, और प्लीज आप लोग को रिक्वेस्ट है कि आप अपने टॉपिक से कन्फाइंड रहिए, वरना पर्सनलाइज ये हमारा सेशन नहीं है, वरना हर बंदा कहेगा कि मुझे मेरी मर्जी से पढ़ाया जाए, ठीक है, मेरा ये सवाल है, मेरा वो सवाल है, ठीक है। तो काइंडली आपने एक फेवर करनी है कि ये आपने इंतजार करना है, ठीक है, अगर आपका टॉपिक रेलिवेंट क्वेश्चन होता है ठीक है, वरना आप इंतजार किया करें ताकि हम कोई आगे प्रोसीड करें, ये सारी की सारी चीजें एड्रेस होंगी, ठीक है। लेकिन एहतरामन और एक मोहब्बत से मैं आप लोग को जवाब दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक बंदा फिर अभी उठेगा वो कहेगा यार वो फलानी चीज बता दो, एक और उठेगा वो कहेगा सर वो फलाम वाला सेक्शन में बढ़ा दो, ठीक है, बढ़ाने को एक एक चीज हम बढ़ाएंगे जब तक आप लोग बोर नहीं हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक आप और मेरा वो एक मतलब एक या इस सेशन का एक तकाजा ये है कि आप और मैं एक सिमेट्रिकल वे से चले, ठीक है, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट आपने इस चीज का ख्याल रखा, चले आगे बढ़ते। अच्छा सर, अब आपका एक सोल प्रोप्रेटर का हमने बिजनेस सेटअप कर लिया, बिजनेस बना लिया, यानी कि बिजनेस बन गया, आपके प्रोफाइल के अंदर आ गया, अब आप बैंक में सर जाएंगे, बैंक में जी जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मेरे हाँ एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। एक बंदा है, अगर वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है और साथ उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है ऑनलाइन और एज अ सोल प्रोप्राइटर, और उसने उस बिजनेस को रजिस्टर किया है FDR के साथ, तो वो प्रिंसिपल एक्टिविटी कौन सी रखेगा उसमें, सर, तो मुझे आप ये चीज बताएं कि किसको ये सेलेक्ट सोल करेगा? प्रोप्रेटर आप एक ऐसी सीपी के साथ भी रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, आप साथ सोल प्रोप्रेटर का भी वर्ड यूज कर रहे हैं, व्हाट इज मेंट बाय सोल प्रोप्रेटर? सोल प्रोप्राइटर, उसने बिजनेस FDR में रजिस्टर किया, हाँ एफ रजिस्ट्रेशन डी उसने आर FDR में जी, IRIS में की ठीक है बिजनेस की NTN के लिए। जी। अब वो प्रिंसिपल एक्टिविटी किसको चूज करेगा, अपनी एम्प्लॉयमेंट सर वाली उसको? ऑनलाइन वो काम क्या कर रहा है सर, डिपेंड करता है वो सॉफ्टवेयर बना रहा है, ठीक है, डिपेंड करता है कि वो IT की सर्विस दे रहे हैं, डिपेंड करता है कि वो ऑडिट का काम कर रहे हैं, काम क्या करते हैं, ठीक है, मतलब ये तो आपकी गेम डिटरमिन कर, पर जी मिसाल के तौर पर सॉफ्टवेयर हाउस है कोई, वो सर जी उसमें जब आप जाएंगे नेचर, जब वो वहां पे सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे हम सिलेक्ट कर रहे थे कि एजुकेशन है ये जी फलां है, तो वहां पे आपका सॉफ्टवेयर को बकायदा उन्होंने एड्रेस किया हुआ है, ठीक है। ठीक है, लेकिन सर प्रिंसिपल एक्टिविटी से मुराद क्या है कि प्रिंसिपल आप? एक्टिविटी से मुराद दिया मिसाल के तौर पे मैं बढ़ाता हूँ आपको, तो मेरी प्रिंसिपल एक्टिविटी क्या है, टीचिंग है, ठीक है, टीचिंग कौन, टीचिंग ऑफ मतलब ये है एटेक्स एजुकेशन, ठीक है, अगर मैं सर्विस देता हूँ, एक वकालत करता हूँ, ठीक है, लोगों के साथ केसेस भी लड़ता हूँ, तो मेरी प्रिंसिपल एक्टिविटी कौन सी है, साथ में टैक्स कंसल्टेंसी भी है, लेकिन दोनों में से जिससे ज्यादा पैसे आते हैं FVR में, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरा ये काम है, वैसे तो फौरी तौर पर मुझे दोनों को अलग अलग रखना चाहिए, लेकिन अगर मैं एक शो करना चाहूँ जिससे ज्यादा पैसे आते हैं वो मेरी प्रिंसिपल एक्टिविटी, ठीक है। तो ठीक सिर्फ है साहब सर। कहते हैं वही दूसरा सर जी, जी, दूसरा दूसरा सवाल ये था सर कि अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, जस्ट NTN लेने के लिए ताकि बैंक अकाउंट ओपन हो, और हाँ इतने में वो टाइम ड्यूरेशन ऐसा उसमें गुजर गया 4-5 माह, और टैक्स ईयर जो है वो आ गया, हाँ सही रिटर्न बोल, फाइल रिटर्न करने का टाइम आ गया, तो ठीक है, उस वक्त फिर क्या करना चाहिए? जीरो के रिटर्न, बस उसमें आप कैपिटल शो करोगे जितना बिजनेस में इंजेक्ट किया, ठीक है, क्योंकि आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है, तो नो सेल नो परचेज नो इनकम नो एक्सपेंस, ठीक है, ठीक सर, थैंक आगे बढ़ते हैं यू। भाई, थैंक यू। अच्छा जी, अपने इसी के सवालों साथ का सवाल भाई, अभी सवालों को सवाल लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, काफी पीछे जा रहा है सेशन। अच्छा सेकंड कैटेगरी पे हम जाते हैं भाई, आपको जवाब देके जाऊंगा, इंतजार करें, ठीक है ना, और क्वेश्चन अपने साथ साथ लिखते जाएं, आपके जितने भी क्वेश्चन हो, मैं आपको कभी भी ऐसा नहीं करता कि वो ऐसे चला जाओ, लेकिन ये होता है कि आप लोग क्वेश्चन फिर वो पूछा करें, एक दफा पूछ लिया है ना वो दोबारा ना पूछा करें, मतलब एक बार अंदर पूछ लेता वही सेम क्वेश्चन 3 दफा दोबारा आ जाता है। सर, मेरा क्वेश्चन इसी पेज से रिलेटेड है जहाँ पर आप मौजूद हैं। अच्छा पूछिए, एक तो आपने मेरे आधे क्वेश्चन का जवाब दे दिया, बेसिकली यहाँ बिगिनर लेवल्स पे बात हो रही है और जी जी बिल्कुल, क्वेश्चंस एडवांस लेवल के आ रहे थे, तो डेफिनेटली एक तरह की कंफ्यूजन है बिगिनर्स के लिए, तो नहीं नहीं मेरे ख्याल में हमने हम सही भाई, मैंने ना जी मेरे इसके लिए ख्याल है हम बाद उसी में पे ना एक महदूद बुक, रहे। एक गंदा सा एक वर्ड है शटअप कॉल, ठीक है, तो जो मैंने अभी पहले कहा मैंने वही इसलिए कहा है क्योंकि अभी ये वो सेशन यहाँ पे नहीं है, जिनको नहीं पता वो बेचारे सर पकड़ के बैठ जाते हैं यार ये क्या चल क्या रहा है, ठीक है, उसकी वजह जी ये है कि हमने पूरी क्लास को साथ लेके चले, सारे हमारे
तो सर मैंने स्टार्ट में बोला था कि ये सेशन हमारा लेवल वन सेशन है, जो लेवल टू के स्टूडेंट है उसके लिए हमने एडवांस टैक्सेशन लिटिगेशन अलग से रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा सर, मेरा तो क्वेश्चन ये है कि जी एक सर, एक प्रेसिडेंट थी जिसमें ये था कि जब उसका बंदे का प्रोफाइल खोला तो प्रोफाइल में उसका नाम उर्दू में आया हुआ था और हाँ उसने ठीक, कहा कि मुझे ऑटोमेटिकली, तो वो उर्दू वाले नाम की जब हम उसकी PSID जनरेट करना चाहते थे तो वो नहीं हो रही थी, ठीक तो है, FBR को कॉल की तो उन्होंने कहा जी प्रोफाइल अपडेट होगा और ये RTO ऑफिस से होगा, तो इसका क्या प्रोसीजर है सर, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। दोस्त कल मैंने आपको बताया था कि आप RTO कौन सा, जो आपका करीब में टैक्स ऑफिस है ना, जिस बंदे की प्रोफाइल का मसला है उसको कहो कि अपना CNAC ले, वहां जाए उनको बोले कि भाई मेरी प्रोफाइल में मेरा नाम उर्दू में आ रहा है, ठीक है। वो उसके CNAC की कॉपी लेके वहीं पे लगे हाथों कर देते हैं, ठीक, कुछ भी नहीं, उन्होंने अपने कंप्यूटर अच्छा, में दो गलती प्रेजेंट मार दी। प्रेजेंटली ऐसा हो रहा है कि FBR ऑटोमेटिकली भी लोगों को रजिस्टर कर रहा है, क्योंकि एक ऐसा 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 आया है कि वो बंदा कहता है मुझे पता ही नहीं है, जब उसकी हमने वेरिफिकेशन में चेक किया तो विदाउट ईमेल और विदाउट फोन नंबर वो ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड हुआ हुआ था, तो सर अभी उसको अब ई एनरोलमेंट। जी जी अभी हो रहा है सर, इसके लिए हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट टैक्सेशन ऑफिसर, टैक्सेशन ऑफिस बने हैं, ठीक है। इसके लिए हम सर से ही जी पूछते हैं, सर अफजाल साहब प्लीज इस पे अपना वो इनपुट दें, अभी जो आपके डिस्ट्रिक्ट टैक्सेशन ऑफिस बने हैं उसका क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, और अभी जो रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं काइंडली बताइए। सर, ऐसे है कि इसमें हम DTOs हमने बनाए हैं पूरी फील्ड ठीक है, ठीक फॉर्मेशंस के अंदर। है, आवाज आ रही है आपको? हेलो, जी, आ रही है, जी, सर वी कैन लिसन यू, हेलो, जी, सुन रहे हैं सर, हम आपको सुन रहे हैं आवाज आ रही है सर? सर, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा जी, अभी ना कोई नए टैक्सेशन के ऑफिस बने हैं, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि वो लोग, आप मुस्तार साहब कह रहे हैं लेसन, सर आवाज आ रही है, काइंडली आप प्रोसीड प्रोसीड करें ना, आवाज आ रही है। अच्छा जी, सुन लें ये सारे अहम चीजें, लेकिन इधर उधर और ज्यादा ना घुमाएं, क्वेश्चन सेशन आवाज मुश्ताक साहब के सेशन के अकॉर्डिंग हम ऑनवर्ड जो क्वेश्चन आंसर सेशन एंड पे रखेंगे। अच्छा जी, सर अफजाल साहब प्लीज, इट्स ओवर टू यू। आबद मुश्ताक साहब से हम एग्री करते हैं जो वो बोल रहे हैं कि ऑनवर्ड हम सेशन क्वेश्चन आंसर सेशन में बैठे, चले मत, ठीक है। अच्छा सर, बेसिकली भले कुछ लोग नाराज भी हो जाएं, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने मोस्टली ऑडियंस को ध्यान रखना है, ठीक है, इस तरह से सारे लोग कहेंगे कि मुझे मेरी मर्जी का बताया जाए। पार्टनरशिप सेकेंड सर कैटेगरी ये है बिजनेस की, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप वो बिजनेस फॉर्म है जिसके अंदर मिसाल के तौर पर कल को एक बंदा अकेला सलमान था, ठीक है, अब सलमान के साथ उसका भाई भी आ गया कामरान, ठीक है, सलमान, अब उसका भाई भी आ गया प्लस कामरान, अब सलमान अकेला काम चला रहा था लेकिन कामरान ने आकर कहा भाई मैंने आपके साथ बैठना है, मैं चाहता हूं कि मेरा भी बिजनेस में नाम हो, ठीक है, कल को ये ना हो कि हमारा झगड़ा हो, हमारी लड़ाई हो, आप अकेले ही बिजनेस को काबू करके बैठ जाओ, ठीक है, कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि भाई मेरा भी उसके अंदर शेयर रखें, कोई डॉक्यूमेंट्स बनाएं और उसमें मुझे भी हक दें, ठीक है, मुझे भी ऑनरशिप दें, मुझे भी टाइटल दें, ठीक है, तो मुझे मलकियत चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आप एक तो ये हो सकता है कि सलमान एंड कामरान साहब दोनों क्या करें इसके लिए, आपस में एक स्टैम्प पेपर के ऊपर क्या करें, एक स्टैम्प पेपर के ऊपर एग्रीमेंट बना कि हम आपस में दोनों भाई भाई ये काम करेंगे फलाएं, ये भी पार्टनरशिप की एक कैटेगरी है, ठीक है, लेकिन है सिर्फ स्टैम्प पेपर और कुछ भी नहीं है, तो हम इस पार्टनरशिप को कहते हैं अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप, क्या बोलते हैं, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप, पार्टनरशिप अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप कौन सी है जिसका सिर्फ स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट है लेकिन वो कहीं पे रजिस्टर्ड नहीं है। आप कहीं सर स्टैम्प पेपर को कहीं रजिस्टर्ड भी करवाना होता है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल रजिस्टर्ड करवाना होता है, ठीक है, और इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर रजिस्टर्ड करवाना होता है तो कहाँ पे रजिस्टर्ड करवाना होता है, यानी कि स्टैम्प पेपर को कहीं पे भी रजिस्टर्ड भी हम करवा सकते हैं, अगर रजिस्टर्ड करवाना होगा फिर उसको क्या बोला जाएगा, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप, यानी कि स्टैम्प पेपर जो है ये रजिस्टर्ड भी हो सकता है और ये अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है, ठीक है। रजिस्टर्ड कहाँ पे होगा, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से, कहाँ से, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से,
यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स के पास हम जाएंगे, वहां पर रजिस्टर करवाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, क्या अकेला स्टैम्प पेपर होगा, मैं कहूंगा नहीं और भी चीजें होंगी, तो अभी हम उसको डिस्कस करते हैं। आई बिलीव रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों का फर्क आपको पता चल गया होगा, यानी कि पार्टनरशिप में अगर स्टैम्प पेपर को हमने रजिस्टर्ड करवा लिया, ठीक है, या नॉट रजिस्टर्ड हो गया, ठीक है, नॉट रजिस्टर्ड यानी कि जिसमें स्टैम्प पेपर को रजिस्टर नहीं करवाया, रजिस्टर्ड कहाँ करवाना है, रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स के पास। याद रखिएगा पार्टनरशिप रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, बोथ दोनों को कवर कर रहा हूँ, दोनों का आप FBR से NTN ले सकते हैं, दोनों का NTN ले सकते हैं, ठीक है। NTN लेके हम इसके ऊपर टैक्स देते हैं, और एक बड़ी खूबसूरत बात कि आपका जो एक सोल प्रोप्रेटर होता है, यानी कि अगर एक अकेला बना जो सलमान पहले काम कर रहा था, ठीक है, उसका टैक्स रेट, ठीक है, सोल प्रोप्रेटर और आपकी पार्टनरशिप का टैक्स रेट सेम है, कोई टैक्स में फर्क नहीं है, टैक्स के रेट्स में कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे रहते हुए सर मैं आपको एक चीज बताऊंगा, वो ये है कि आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ठीक है, आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस बाद में पढ़ाया जाना है, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको कॉर्पोरेट पढ़ा रहा हूँ। जो आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सर है, उसका सेक्शन 242 आखिरी लास्ट सेक्शन है, जहाँ पे वो खत्म होता है, उसके बाद शेड्यूल स्टार्ट होते हैं। क्या स्टार्ट होते हैं? शेड्यूल स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब ये देखें, जहाँ पे आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ये खत्म हो रहा है, 242 सेक्शन, ये क्या आ गया, फर्स्ट शेड्यूल। सर फर्स्ट शेड्यूल किसकी बातें करता है, याद रखिएगा, रेट ऑफ टैक्सेस की बातें करता है। फर्स्ट शेड्यूल का भी अगर मैं अच्छे अंदाज में कहूँ, उसका पार्ट वन रेट ऑफ टैक्सेस की बात करते हैं, किसकी, रेट ऑफ टैक्सेस की, ठीक है। इसके अंदर रेट्स मेंशन हुए हुए हैं, मैं लगे आता आपको वो रेट्स दिखाना चाहूंगा जो आपके बिजनेसेस के ऊपर लगते हैं, मतलब सोल प्रोप्रेटर का बिजनेस हो या आपका कौन सा बिजनेस हो, आपके पार्टनरशिप का बिजनेस हो। सर ये मैं आपको पढ़ना भी बाद में सारी चीज कहूंगा, लेकिन फॉर द टाइम बिंग मैं आपको रेट दिखाना चाहूंगा। अब ये रेट देख लीजिए, ठीक है, आपके कानून में से मैंने खोले हैं। सर आपका टैक्सेबल इनकम और टैक्स रेट, इस हर एक पॉइंट को पाकिस्तान के अंदर स्लैब बोला जाता है, ये स्लैब वन है, स्लैब टू है, स्लैब थ्री है। अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर इनको टैक्स ब्रैकेट बोला जाता है, ये एक टैक्स ब्रैकेट या एक टैक्स स्लैब है, ये एक टैक्स ब्रैकेट या एक टैक्स स्लैब है, ठीक है, और ये भी एक टैक्स ब्रैकेट या एक टैक्स स्लैब है। इस तरह नीचे सो यहाँ पे बताना है कि अगर 6 लाख तक आपकी इनकम है तो 0% टैक्स है। यहाँ पे वर्ड इनकम मैंने प्रैक्टिकली और गलत बोला है, इनकम से यहाँ इसका मुराद प्रॉफिट है, ठीक है, लिखा इनकम हुआ है यानी कि प्रॉफिट है स्पेसिफिकली। अगर आपका 6 लाख तक प्रॉफिट है तो आपका टैक्स 0 होगा, ठीक है। अगर 6 लाख से इनकम ज्यादा हो जाती है लेकिन 8 लाख से इनकम कम रहती है, तो 6 लाख से ऊपर जितने हैं, मिसाल के तौर पर मेरी इनकम है 7 लाख, इनकम से प्रॉफिट कह रहा हूँ, 7.5 लाख रुपए, तो ये 6 लाख से कितना ऊपर है, 6 लाख से कितना ऊपर है, ये जी 6 लाख से ऊपर है 1.5 लाख, तो 1.5 लाख का 7.5% टैक्स होगा। सर बिल्कुल इस तरह से आपने ये स्लैब्स को देख लेना है, ये कहाँ पे स्लैब्स बनी है, फर्स्ट शेड्यूल में। अभी मैं आपको रफली एक चीज बता दूं, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आपको सारे रेट्स देता है, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, मतलब कंपनी के ऊपर क्या टैक्स होगा, मिसाल के तौर पर अभी दिखा भी देता हूँ। अच्छा जी, सैलरी वाले बंदे के ऊपर कितना रेट होगा, कैपिटल गेन के ऊपर कितना टैक्स होगा, ठीक है। अब ये देखें कंपनियों के ऊपर कितना है, स्मॉल कंपनी के ऊपर कितना है, बैंकिंग कंपनी के ऊपर कितना है, फिर बाकी कंपनियों के ऊपर कितना है, आपने फर्स्ट शेड्यूल को फिर याद रख लेना है। और फर्स्ट शेड्यूल कहाँ पे आता है, जहाँ पे सेक्शन 242 एंड होता है, उसके बाद उसका पार्ट वन, ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा जी, ये टैक्सेशन के परस्पेक्टिव से बताना था कि पार्टनरशिप में और सोल प्रोप्रेटर में रेट का कोई फर्क नहीं है, ठीक है। पार्टनरशिप के लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो वर्ड है, और जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन का वर्ड यूज करता है, क्या यूज करता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है। पार्टनरशिप को पाकिस्तान में रजिस्टर करने का जो तरीका है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। लोग आपके पास अप्रोच करेंगे बीइंग कंसल्टेंट के, भाई जान हमें पार्टनरशिप रजिस्टर करवानी है, या फिर सलमान ने अपने भाई कामरान को बोला कि चलो हम पार्टनरशिप रजिस्टर करवाते हैं, तो वो कैसे रजिस्टर्ड होगी, ठीक है, उसको सर रजिस्टर करवाने के लिए हम डिस्कस करते हैं। लेकिन एक और पॉइंट हम डिस्कस कर लें, टैक्सेशन के परस्पेक्टिव में तो कोई फर्क नहीं है। सबसे पहले तो डेफिनेशन या मीनिंग दिया गया, पार्टनरशिप का क्या मतलब है और सोल प्रोप्रेटर का क्या मतलब है। सोल प्रोप्रेटर मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, पार्टनरशिप बता दूं, कोई भी ऐसा काम
जिसमें दो या मैक्सिमम 20 लोग मिलके वो काम करें जो पाकिस्तान के अंदर लीगल काम है। ठीक है, कहीं आपको शायद इलीगल काम भी होता है, मैं कहूंगा जो कानून पाकिस्तान आपको इजाजत नहीं देता वो काम इलीगल काम है, और वो कामों की बात नहीं हो रही यहाँ पे, उन कामों की बात हो रही है जो आपके लीगल काम है। ठीक है, और उन कामों का मकसद आपका प्रॉफिट कमाना हो, और कामों का मकसद प्रॉफिट कमाना हो, तो ऐसा एग्रीमेंट मिसाल के तौर पर अगर सलमान और कामरान के दरमियान है तो ऐसे एग्रीमेंट को कहेंगे पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और उसको टेक्निकल हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग मिलके मैक्सिमम 20 बिजनेस कर रहे होंगे, वो लीगल बिजनेस कर रहे होंगे, और ऐसा बिजनेस जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना। आप ऐसा कई ऐसा बिजनेस भी हो सकता है जिसका प्रॉफिट वो मतलब मकसद प्रॉफिट कमाना ना हो। मैं कहूंगा बिल्कुल हम प्रॉफिट बिजनेस नहीं कहते, हम मसाल लेते हैं कामरान और वही जो सलमान है वो मिलके कहते हैं कि हम लोगों की सेवा करेंगे, हम जो बच्चियां बैठी हुई हैं जवान जिनकी शादियां नहीं हो रही, उनसे जहेज इकट्ठा नहीं हो रहा, हम वो जहेज इकट्ठा करके देंगे। तो ऐसा अगर वो काम करते हैं तो याद रखिएगा ये वाली जो एक्टिविटी है, ये जो काम है, मतलब है तो ये काम एक एक्टिविटी है लेकिन ये कोई बिजनेस नहीं है पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे इसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो एग्रीमेंट भले कामरान और सलमान के दरमियान भी हो तो इसको हम पार्टनरशिप कभी भी नहीं बोलेंगे। बाय लॉ सोल प्रोप्रेटर रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं होता, पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है आपकी मर्जी है आप पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड करवा लें, और आपकी मर्जी है भले आप रजिस्टर्ड ना करवाएं, लेकिन याद रखिएगा यहाँ भी वही बीमारी है अनलिमिटेड लेबिलिटी वाली। ठीक है, क्या है अनलिमिटेड लेबिलिटी वाली? देखिए राइट्स क्या हो जाते हैं या फायदा क्या होता है कि सलमान और कामरान अगर एक दूसरे के ऊपर केस करना चाहेंगे तो बआसानी कर सकें। ठीक है, बआसानी कर सकें, कोई बैर का बंदा है तो उनके बिजनेस के नाम के ऊपर केस कर सकता है, फिर इनका एक ब्रांड भी बन जाता है। ठीक है, सोल प्रोप्रेटर तो इटसेल्फ आपको पता है जिस बंदे के नाम के साथ अटैच है, जिस बंदे की प्रोफाइल में है, वो बंदा गुजर जाए तो आपका काम सब खत्म। ठीक है, कोई परपेचुअल सक्सेशन नहीं है, यहाँ पे सिंगल ओनर होगा, दूसरी तरफ आपके पार्टनर्स होते हैं और वो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20 होती है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज बतानी जरूरी है जो लोग सुनना चाहे, अच्छा हर चीज लाजमी नहीं है आपको याद रहे, जैसे मैं भी आपको बताने लगा हूँ, कंपनीज एक्ट बोलता है कि मैक्सिमम 20 लोग होंगे, पार्टनरशिप एक्ट खामोश है, वो बताता ही नहीं है कि 20 से ज्यादा अगर लोग होंगे तो पार्टनरशिप बिजनेस का क्या करेंगे। और कंपनीज एक्ट आया उसने बोलता, उसने कहा उसका भी सेक्शन 9 है, ठीक है, वो बोलता है कि अगर 20 से ज्यादा लोग हो गए पार्टनरशिप में तो उसको कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड करवाना। ठीक है, अच्छा उसके बाद इनकॉर्पोरेशन का भी हो गया, टैक्सेशन का भी हो गया, मिनिमम नंबर्स का भी होगा। ठीक है, अब हम चंद और चीजें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए पार्टनरशिप को रजिस्टर करने के लिए। नंबर 2 पे एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, जिसको पार्टनरशिप डीड बोला जाएगा। पार्टनरशिप डीड आपको दिखाऊंगा भी, स्टेप टू स्टेप आपको अप्रोच भी बताऊंगा रजिस्टर करने की। उसके बाद उस डीड के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो वो डिटरमिन करेंगे, वो लिखेंगे आपस में कि जो बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको आपस में हमने कैसे डिवाइड करना है, लेबिलिटी इसकी भी अनलिमिटेड होगी, मैनेजमेंट जो होगी बिजनेस की वो किन लोगों के हाथों में होगी, यानी कि बिजनेस को मैनेज करने वाले और लोग भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं बिजनेस एक बंदे के साथ कर रहा था, ठीक है, एक स्टूडेंट कंसल्टेंसी का, ठीक है, तो आई वाज नॉट मैनेजिंग दैट बिजनेस, मैंने उसको कहा भाई पैसे मेरे होंगे, ठीक है, मैं आपसे ऑन एंड ऑफ चीजें पूछता रहूंगा, लेकिन बिजनेस को चलाने वाले आप हो, मैनेजर आप हो, मैनेजर से बाद मैनेजमेंट वाले आप बंदे हो, मैनेज आपने बिजनेस को करना है। तो इन दैट केस मैं एक एग्रीमेंट उसके साथ बना सकता हूँ या बनाया हुआ था कि उस बिजनेस की जो मैनेजमेंट है वो किसके पास है, वो उस साहब के पास है। लाइफ ऑफ द फर्म, जब आप पार्टनरशिप रजिस्टर करवाते हो तो आपने लिखना होता है मुआहदा शराकत दारी में, लिखना होता है कि ये कितने साल का है या लामहदूद टाइम का है। ठीक है, यानी कि काउंटलेस टाइम का है, तो इस चीज को भी आप अपने मुआहदा शराकत दारी के अंदर मेंशन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़े से फीचर्स हैं। अच्छा, आगे हम जब डिस्कस करते हैं तो याद रखिएगा जो आपने बनाना होता है मुआहदा शराकत दारी, जिसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं या पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोलते हैं, ये डिफरेंट चीजें लिखी हुई हैं जो उस एग्रीमेंट का पार्ट होनी चाहिए। एग्रीमेंट बनाना बेसिकली एक वकील का काम है, लीगल ड्राफ्टिंग का मैटर होता है। हम आपको एक एग्रीमेंट दे देंगे, एक स्टैंडर्ड एग्रीमेंट, उसके अंदर आपने चीजों को ऑल्टर कर लेना है। क्या कर लेना है? ऑल्टर कर लेना है। ऑल्टर करके फिर आपने रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास चले जाना है। ठीक है, मैं आपको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स का वो दिखा भी दूंगा, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर नॉर्मली रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स का ऑफिस होता है। ठीक है,
और उसमें जाके हम डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं। तो एक तो फीस होती है उनके पास डॉक्यूमेंट जमा करवाने की, वैसे पंजाब के अंदर अभी हम ऑनलाइन ही कर रहे हैं, मैनुअल भी चल रही है लेकिन ऑनलाइन भी इनका पोर्टल है, बाकी प्रोविंसेस का भी पोर्टल है और मोर और लेस सबका पोर्टल एक ही है। और सबसे बड़ी खूबसूरती है कि ये जो हम फॉर्म रजिस्टर करवाएंगे ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर, हमें ऑटो में एनटीएन भी मिल जाएगा। क्या होगा, ऑटो में हमें एनटीएन भी मिल जाएगा। इनकॉर्पोरेशन से मुराद ये है कि रजिस्टर करना, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन से मुराद है रजिस्टर करना। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो कि हम याद रखिएगा एग्रीमेंट का पार्ट बनाते होते हैं, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं जी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं जिनको लेके हम पार्टनरशिप रजिस्टर कराते हैं, या जो जो चीजें जरूरी होती हैं पार्टनरशिप बनाने के लिए। सबसे पहले एक होता है फॉर्म 1। क्या चीज है फॉर्म 1? फॉर्म 1 क्या है सर? फॉर्म 1 आपका पार्टनर्स का, एक पार्टनर्स का मैं आपको खोल के दिखाता हूँ फिर एक्सप्लेन कर देता सर। ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा पूरा पोर्टल, ठीक है, अभी मैं फिलहाल फॉर्म 1 आपको दिखा दूं, ठीक है। फॉर्म 1 सर, ये आपको फॉर्म 1 स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा पार्टनरशिप एक्ट का, ठीक है। इसके अंदर आप देखिए, इसके अंदर पार्टनर्स की डिटेल होती है, किसी भी अंदर बिजनेस के अंदर कितने पार्टनर्स हैं, ठीक है। लेट्स सपोज एक ये पार्टनर है, कब इसने ज्वाइन किया, इसका एड्रेस क्या है, ठीक है। नंबर 2 पे पार्टनर कौन है, उसने इस बिजनेस को कब ज्वाइन किया, उसका एड्रेस क्या है, ठीक है। अच्छा उसके बाद यार, अच्छा ये क्यों सबमिट हो रहा होता है, ये सेक्शन आपका 58 बोलता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। अच्छा उसके बाद हर पार्टनर को एक विटनेस विटनेस अटेस्ट कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, अटेस्ट कर रहा होता है, ठीक है। जैसे एक इसको अटेस्ट कर रहा है यहाँ पे, उसका नाम आएगा, एक दूसरे को अटेस्ट कर रहा होगा उसका नाम आएगा। तो एक फॉर्म 1 बनता होता है, ये पोर्टल हमें खुद बना के देगा। आपके सामने अभी पोर्टल के ऊपर ये फॉर्म बना भी हुआ है, मैंने आपके सामने ऐसे क्लिक किया, पोर्टल ने मुझे खुद बना के दे दिया, ठीक है। ये आप कहेंगे कैसे आपने बनाया, ये आगे मैंने आपको बताना है अभी, क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन को अभी पूरा डिस्कस नहीं किया। नंबर 2 पे क्या होगा, आपका एक पार्टनरशिप डीड होगा जो कि ये पंजाब के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, स्टैम्प पेपर 3,000 रुपए की वर्थ का होगा, ठीक है। 3,000 रुपए की वर्थ का स्टैम्प पेपर होगा, ठीक है। वो एक 3,000 का निकाल लें, आप 1,000 के 3 निकाल लें, ठीक है, बट 2 1,500 के निकाल लें। तो आपने स्टैम्प पेपर के ऊपर मादा शराकतदारी को लिखना है, क्या करना है, मादा शराकतदारी को लिखना है, ठीक है। उसके बाद रसीद होती है, 2,000 रुपए इसकी फीस है, ठीक है, पार्टनरशिप की, जो आपने किसी नेशनल बैंक में जमा करवानी होती है, और उसका चलान 32A बनता है, वो भी मैं बल्कि आपको अभी लग गया तो दिखा देता हूँ, चलान 32A, वो भी आपने देखा हुआ होगा मोस्टली लोगों ने। 1 मिनट जी, पे एक आपका ये सर चलान फॉर्म होता है, ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये चलान बना हुआ है, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाना है, ठीक है। तो ये चलान आपका होता है, ये 2,000 रुपए का चलान, ठीक है। उसके बाद सर चलान के बाद आपका एक एफिडेविट होता है 5 रुपए का, जिसके ऊपर आप बयान एल्फी दे रहे होते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैं जमा करवा रहा हूँ, सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है। एक बयान एल्फी आपने देना है कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेरे सारे सच्चे हैं और झूठे नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने एक पार्टनरशिप, वो जो आपका रेंटल एग्रीमेंट होता है, ठीक है, रेंटल एग्रीमेंट, या जिस जगह पे आप बिजनेस कर रहे हैं उसका प्रूफ ऑफ ऑनरशिप, वो आपने अटैच करना होता है। फिर आपने CNSC की कॉपी सब पार्टनर्स की अटैच करनी होती है, ठीक है। और अगर आपने कोई वकील रखा होगा तो उसको आपने पावर ऑफ अटॉर्नी देना होता है। ये डॉक्यूमेंट्स चारों फॉर्म को सबमिट करवाए जाते हैं। फिर आपका क्या होता है, आपकी फॉर्म रजिस्टर्ड हो जाती है। फॉर्म रजिस्टर्ड करने के बाद आपको जो एक डॉक्यूमेंट मिलता है वो फॉर्म C मिलता है, फॉर्म C।
अच्छा एक मिनट। अच्छा अभी फॉर्म सी भी मेरे पास इस कंप्यूटर में नहीं पड़ा हुआ, अगली क्लास में सारा फॉर्म सी भी आपको दिखाऊंगा, ये पूरा प्रोसीजर आपको पहले बताऊंगा। तो फॉर्म सी की बेस पे याद रखिएगा, वो सबूत होता है कि आपकी फर्म रजिस्टर्ड हो गई है। क्या हो गया है? आपकी फर्म रजिस्टर्ड हो गई है। तो याद रखिएगा फॉर्म सी प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, ठीक है। और जो इसका होता है प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सोल प्रोप्रेटर, वो आपका टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी होती है। क्या होती है? टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी जो हमने पहले खोली थी। अच्छा आपका सोल प्रोप्रेटर आई बिलीव आपको रजिस्टर करना आ गया है। इसके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं मैं आपको उनकी सॉफ्ट कॉपी दूंगा, ठीक है। पोर्टल के ऊपर भी रजिस्टर करना बताऊंगा और मैनुअली भी आपको रजिस्टर करना बताऊंगा, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह इसको हम अगली क्लास में यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे। तो फॉर द टाइम बीइंग मैं सोचता हूँ कि हम आपके क्वेश्चंस ले लें, लेकिन प्लीज आप सब लोग को रिक्वेस्ट है कि इसको आप पर्सनलाइज ना कीजिए सेशन को, और आप स्टिक रहिए सेशन के लिए, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं। जी हैंड रेज कीजिए प्लीज, फिर आप सब लोग बोलने लग जाएंगे तो हम आपके क्वेश्चन आंसर सेशन को ले लें। ओके सर आप पहले हैंड रेज कीजिए ना, आबद साहब प्लीज। जी सर। इन्फिनिक्स हॉट टेन प्ले, आप काइंडली आप सब लोग अपने नामों से आया करें, ठीक है, एक रिक्वेस्ट है। तो जी अस्सलाम जी प्लीज सर। वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा नाम तल है, वो माजरा तो मैं चेंज नहीं कर सका, पहले मैं चेंज कर लेता हूँ, चेंज नहीं किया मैंने। कोई मसला नहीं अच्छा चला भाई, ऐंदा कर लीजिएगा। जी। तो सर मैंने कहना था कि जैसे मेरे अभी इनिशियल स्टेज है मेरी, ठीक है, तो जैसे ही आपने आज सोल प्रोप्रेटरशिप का बताया, उसको हमने एनटीएन उसका जनरेट किया, और उसके बाद हमने वो बिजनेस ऐड किया, अगर मैं चाहता हूँ कि ये मैं एक दो दफा अपने हाथ से प्रैक्टिस करूँ, तो फिर मुझे मजीद कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर होगा जब तक अपने सर हाथ हम से आपको करूँ? पोर्टल देंगे ना, हम आपको अपना जी पोर्टल जी प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह अगले वीक में। इस वीक में अगले वीक में जो रजिस्टर स्टूडेंट हो गए सबका पोर्टल अपना प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। जी ठीक हो गया सर। ठीक, बेफिक्र ओके रहिए भाई, जी। उसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने 7.5 लाख रुपए 8.5 लाख रुपए टोटल इन्वेस्ट किया है, जो आपके लिए पोर्टल बनवाया गया स्पेशल प्रैक्टिस के लिए, जी ठीक हो गया सर। ठीक ठीक हो है गया जी। ठीक जी। आमिर वसीम साहब, आमिर वसीम अच्छा मैं ना विद ड्यू रिस्पेक्ट बार बार तो रिकॉल नहीं कर सकता, और फिर मैंने फिर उस बंदे को जवाब नहीं देना। अभी देखिए हैंड रेज किया, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं जी। रिफानुद्दीन अहमद, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं अपने फादर के साथ थोड़ा सा रियल एस्टेट का काम कर रहा होता हूँ, ठीक तो है अगर हम लोग जैसे अपना वो रिटायर हैं और मैं सैलरी पर्सन, तो ठीक है अगर हम लोग इंडिविजुअली अगर हम काम कर रहे हैं, या कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है, वो SSCP वगैरह से किसी किस्म का कोई मतलब उसका एक्टिविटी रहती है, और अगर हम दोनों अलग अलग या एक साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो इसी तरह से सारी एक्टिविटीज को कर रहे होंगे? हाँ ऐसे बिल्कुल ऐसे ही भाई, ये हम जो चीजें आपको समझा रहे हैं उसी के लिए समझा रहे हैं। ये आपने लोगों को बना के देनी है, खुद की करनी है, ठीक है, ठीक है समझ सर आ रही है आपको। जी। और अगर सिंगल रखेंगे ओनरशिप, तो जैसे मैं अपने, क्योंकि वो तो अब रिटायर हो गया, मैं ही इसको लेके चल रहा हूँ, तो ठीक मुझे है भाई, किसी किस्म की कोई SSCP वगैरह से कोई रिक्वायरमेंट फिल करने की जरूरत वो नहीं जो है? बिजनेस स्ट्रक्चर बताया है उनमें से किसी एक को पूरा करना है, सब पे रजिस्टर्ड करना जरूरी नहीं है, कोई एक कैटेगरी चूज करनी है, ठीक है। जैसे मैं अपना सैलरी पर्सन हूँ और उसी के साथ एक सोर्स ऑफ इनकम बिजनेस जी, एक्टिविटी का भी दिखा दूँ करे आप आपसे? SSCP में ना नहीं करवाएं कोई मसला नहीं, और मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि आप नहीं SSCP में करवाएं, ठीक अच्छा है। सोल ठीक, प्रोप्राइटर पे भी अभी चलो, ठीक है, क्योंकि थैंक यू सर। आपके लिए कोई नेसेसरी नहीं है SSCP में कंपनी बनाना, फिर आपके लिए कंप्लायंसेज और सारा कुछ सर को रहने दो जी। उसामा खान, सवाल ये है ना कि मैं सन 2022 में फाइलर बना हूँ ना सर, और FBR की तरफ से मुझे 144 के नोटिस मिल रहे हैं कि सन 2018, सन 2015 और 16 की भी जो है रिटर्न जमा करवाएं, तो क्या मैं जमा करवाऊँ कि नहीं? करवानी पड़ेगी आपको, करवानी चाहिए सभी तो। आपकी इनकम नहीं भी थी तब भी करवानी चाहिए, आपको नोटिस का जवाब देना आपके ऊपर फर्ज है। अच्छा, वो मैंने एडवाइजर साहब सीखा है कि वो कह रहे हैं कि जेनरेटेड नोटिस हैं, इसकी कोई परवाह नहीं है,
तो मैं अभी क्या करूं, जमा करवा दूं? सर जब आपको वो पकड़ेगा ना, जब आपको उसका नोटिस निकालेगा, अल्लाह भला करे 121 का अमेंडमेंट और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट पास करेगा, तो आपको समझ आ जाएगी ये कुछ भी अच्छा है कि नहीं। ठीक ठीक है, ठीक ठीक उसमें उसमें मतलब मैं इनकम है ही नहीं, बचा जीरो जीरो जमा कर रहा हूँ। अगर इनकम नहीं है बस खाली जमा करा दो, वरना एफबीआई जब रिटर्न आप खुद बनाएगा ना, फिर वो आपको सीधा करेगा। अच्छा बेहतर ये है ठीक कि ठीक आप, वो फिर कहेगा आपने मुझे तकलीफ दी है, अब मैं आपकी तकलीफ निकालता हूँ। ठीक ठीक थैंक यू सो मच, थैंक यू सर सो मच। इसमें, सर इसमें मैं कुछ ऐड कर दूं इनके सवाल के साथ? सर जी कर दो। जी, अर्ज ये है कि FBR 5 साल के दौरान, के अरसे के दौरान किसी भी किस्म का वो जो है क्वेश्चन वो रेज कर सकता है, मतलब हमारे इल्म के मुताबिक, आप जरा उसकी रहनुमाई फरमा दीजिएगा। इसका मतलब ये है कि टैक्स पेयर 18 से लेके अगर 23 में उसको 114-4 का नोटिस आता है और 15-16 का आता है, तो वो लायबल नहीं है कि 15-16 वाले नोटिस का जवाब दे, क्योंकि FBR के लिए जो क्वेश्चनिंग का या असेसमेंट का जो पीरियड है वो 5 साल का है। तो अगर हम पीछे चले जाएं तो ये 18 तक बनेगा, तो क्या 15-16 के लिए वो लायबल होगा? मेरे ख्याल में तो नहीं होगा। सर आप क्या फरमाते हैं? मैं आपको एक चीज बता दूं, पहली बात तो ये है कि हमने ख्याल पे नहीं चलना, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात ये है कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम लॉ को पढ़ के चलें। ठीक है, लॉ के ऊपर सेक्शन 114(4) का आपको नोटिस आता है। किसका आता है? सेक्शन 114(4) का। ठीक है, सेक्शन 114(4) में वो कहता है कि आपको नोटिस दे के कहा जा सकता है कि भाई आप अपने रिटर्न फाइल करें। जिन लोगों का, कमिश्नर को लगता है कि रिटर्न फाइल करना जरूरी है, कमिश्नर उनको कहेगा शाबाश, इधर आओ रिटर्न सबमिट करो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे यही वाली बात जो 5 साल की है यहाँ पे लिखी हुई है सेक्शन 114(5) के अंदर, कि आपको 5 साल का नोट्स निकाला जा सकता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 7 साल पहले का नोटिस निकल गया हो, हमने तो ये देखा कि 5 साल तक का ही निकाला होता है। ठीक है, राइट सर, अच्छा गॉट जी, इट थैंक सर। यू। अच्छा अफजान साहब, सर मुझे काइंडली बताइए, मुझे नहीं सबको बताइएगा, कि ये जो हमने 5 साल की बात की है, वी आर राइट और रॉन्ग, ये लॉ के नजर में जो मैंने खोला। जी ये बिल्कुल आवाज आ रही है आपको? जी शारीर जी आ की? रही है, जी जी आ रही है। अच्छा सर, ऐसे है कि ये बिल्कुल ठीक भाई कह रहे हैं कि ऐसे ही है। अब सिस्टम, एक और बात भाई ने पहले जो क्वेश्चन किया था ना, जब आप एनटीएन लेते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट सिस्टम आपको पिछले नोटिसेज भी डाल देता है, ठीक है? ये सिस्टम का ये है कि आपने आज एनटीएन लिया, वो आपको पिछले 5 साल के नोटिस डाल देगा। तो अगर आपने उसमें कोई टैक्सेबल एक्टिविटी की है पिछले सालों के अंदर, खा आपने एनटीएन अभी लिया है और आपने पिछले सालों में कोई टैक्सेबल एक्टिविटी की है, आप वो काम करते रहे हैं, तो उसके लिए बेहतर है कि फिर आप रिटर्न भर दें, ठीक है? और अगर आपने कोई टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं की तो फिर उन नोटिस को आप 114(4) के नोटिस को इग्नोर भी कर सकते हैं, अगर आपने एनटीएन फिलहाल अभी लिया है। दूसरी बात, वो 5 साल वाला, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारे पास जो टाइम बार्ड है, अभी 2017 हो गया, 2018, 19, 2020, 2021, 2022 और अभी 23 की रिटर्न है, ठीक है? तो इसके अंदर हम किसी भी रिटर्न के ऊपर ऑब्जर्वेशन उठा सकते हैं, क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। 2017 को हम नहीं क्वेश्चन रेज कर सकते, 16 का नहीं कर सकते, 15 का, 14 का, इससे पिछले जितने भी हैं वो क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते जो लोग फाइलर हैं। जी कोई क्वेश्चन इसके अलावा आपका हो? बिल्कुल सही हो गया सर। मुझे यहाँ पर थोड़ी सी रिजर्वेशन है, जो आप कह रहे हैं कि हम अगर ना भी जवाब दें तो सर क्या उसके अगेंस्ट जी अगर जी बेस्ट असेसमेंट पास होगी तो फिर? सर, मैं आपको इन प्रैक्टिस बताता हूँ हो क्या रहा है। जी जी एक बंदे ने आज एनटीएन लिया, ठीक है, सिस्टम ने उसको पिछले नोटिसेस डाल दिए। ठीक है, अब उसका तरीका ये है कि हम जब हमारे पास, अब जिस तरह ये 2018 है तो हमारे पास जितने भी नॉन फाइलर्स होते हैं, हम उनका डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, अपने इनबॉक्स से लेते हैं और हम उनको 121 के बेस्ट जजमेंट करते हैं। लेकिन हम बेस्ट जजमेंट किस पे करते हैं? हम उसको BTL में कर देते हैं कि ये इसकी जो आमदन है वो बिलो टैक्सेबल लिमिट है, ठीक है? तो हम एक ओके ऑर्डर जरूर पास करते हैं लेकिन उसका कोई टैक्स का इम्पैक्ट नहीं होता। ओके, ये क्या अभी माफी दे रहे हैं आप लोग फिलहाल? जी, माफी दे रहे हैं, लेकिन अगर बंदे ने कोई एक्टिविटी की है ना, कोई इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की है, मिसाल या के फिर तौर पे इन्फ्लेशन वो, है?
जी वो बंदा बिजनेस करता था या उसकी कोई प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन है हमारे पास 236K की है, या बैंक के अंदर वो ट्रांजेक्शन्स कर रहा है और हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ये उसने कोई गाड़ी परचेज की है, तो फिर उसके लिए तो लाजमी है कि वो हर हाल में रिटर्न जमा करवाए, उसको इजी नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल सही, थैंक यू सर। जी फाइन जी निशान, थैंक जी यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर मैं सलाम जी। रिटर्न फाइल की और उसमें नोटिस आया हुआ था 114-4 का, उसके ऊपर मैंने 2022 की रिटर्न फाइल कर दी, लेकिन वो स्टिल मुझे ईमेल में वही नोटिस आई जा रहे हैं, पोर्टल में ऐसी कोई चीज शो नहीं होती। परेशान ना हो, सिस्टम की अभी खराबी हुई थी, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो एक बंदे की रिटर्न हमने कल सब पहले सबमिट कर दिया और कल उसको ईमेल आई थी कि आपकी रिटर्न नहीं सबमिट हुई। कोई मसला नहीं, परेशान नहीं हो। अच्छा जी, मोहम्मद इसरार आलम। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है, पहले भी कर चुका हूँ, ये सैलरी पर्सन अभी जो बात कर रहे थे, सैलरी पर्सन जो है वो अगर अपने आप को FBR में रजिस्टर कर रहा है, तो जैसे आप कह रहे थे कि वो 5 साल प्रीवियस वो अपने आप को रिटर्न फाइल जमा करेगा नहीं या करेगा, सिर्फ अगर तो 23 के नोटिस लिए आएगा ही तो करेगा? करेगा, नोटिस आएगा तो करेगा, ऐसे नहीं करेगा, खुद से नहीं अच्छा करेगा, खुद ठीक से कोई बंदा खुशी से नहीं कर रहा था। ठीक है जी, ठीक आवर है रिटर्न अब्दुल हेलो बासत सर। जी। जी वाले साहब हाँ बोले। सर, मेरा एक क्वेश्चन था जी, सर, मैं एक हॉस्पिटल में से जॉब करता हूँ, वहाँ पे सर कंसल्टेंट्स भी होते हैं जो डबल जॉब्स करते हैं, जैसे कि वो गवर्नमेंट जॉब्स भी कर रहे हैं, तो सर उनकी जो मेन सैलरी आ रही होती है वो गवर्नमेंट जॉब से आ रही होती है, वो टैक्स उस पर कटता है सर। जब वो हमारे पास आते हैं कंसल्टेंसी देते हैं, हम लोग उनका 10% सर्विसेज के ऊपर टैक्स काट लेते हैं। अब सर उनकी जब रिटर्न फाइल होगी तो उनकी जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है क्या इधर वो सैलरी होगी जो कि सैलरी में वो आएगी या बिजनेस में आएगी? जो 10% वाली इनकम है वो उसके ऊपर मिनिमम टैक्स भी एप्लीकेबल है, ठीक है, बाद की बातें हैं, लंबी बातें हैं। जी और सर तो आपकी बिजनेस में जाएगी, ठीक है, क्योंकि जी सर सेक्शन 2-10 के अकॉर्डिंग अगर बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसमें प्रोफेशन वोकेशन या कोई भी अब जो सर्विस प्रोवाइडर है ना उसमें डिस्कस है, ठीक है। और जी बाकी सर जो सोर्स है वो सैलरी में जाएगा, बस अभी इसको कॉम्प्लेक्स ना करो, बस यहीं पे ही है। जी चलो ठीक हो, थैंक यू सर। अच्छा जी, अपना कैसे मोहम्मद यासर साहब, बिस्मिल्लाह, आप स्वागत कीजिए। आप क्लास में मौजूद थे, मैंने कहा गायब है। अच्छा है सर जी। जी सर, नहीं सर, मैं सर एक ईमेल रिसीव हो रही है cbr@prol.com.pk, ठीक है, डिटेल आ रही है कि आपको नोटिस है, अटैचमेंट साथ है, आप इसको चेक करें और रिप्लाई करें, लेकिन ठीक साथ है। अटैचमेंट नहीं होती। ये CBR हमारा तो खत्म नहीं हो गया था क्या? ये CBR मतलब ये जेन्युइन ईमेल है या फेक ईमेल है? सर मुझे तो ये, मैंने तो आज तक ये ईमेल देखी नहीं है, ठीक है, गलत बयानी करने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई ये फिशिंग या वो जो हैकिंग, कोई ऐसा सिस्टम ना हो, ये ना हो कि कल सर को एक। FBR की साइट पर ये ईमेल मेंशन है कि आप जीमेल, याहू और जो हॉटमेल वाले यूजर्स हैं वो इसको एज अ कॉन्टेक्ट ऐड कर लें। FBR की अच्छा साइट पर ये मेंशन है। अच्छा मेंशन होगी। सर अफजाल साहब काइंडली बताएंगे, ये जो ईमेल बता रहे हैं, मेरा तो अभी तक वास्ता नहीं पड़ रहा है, कैसे से ऐसा कैसे हो सकता है ऐसे? और सर टोटल में कहीं पर वो ईमेल, वो नोटिस, उस टॉपिक डिस्कस नहीं हो रहा, पोर्टल में कहीं डिक्लेयर नहीं है। बस ठीक है, उसको आप इग्नोर कीजिए, मैं नहीं समझता कि उसको आप रिस्पॉन्ड बैक करें, ठीक है। अच्छा जी, आप इसको ना राइट सर इग्नोर कीजिए, उसके बाद क्लास के बाद बल्कि आप वैसे मैं से परसों भी डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है, ऐसे इग्नोर कीजिए उसको। राइट सर राइट सर थैंक यू, थैंक यू जी। तना भाई ये सेशन को ना बिगनर लेवल पे रखें इसको, आप वो अभी जो चीजें ना सीक्वेंस के साथ चलें, ठीक है। अब मैं ना फिर जवाब नहीं दूंगा ना, फिर आप नाराज होंगे, ठीक है, तो बेहतर ये है कि आप अपनी बिजनेस मेंटेन करें और मेरी भी। जी सही साहब, जी सर, वो अभी इससे पहले एक ब्रदर क्वेश्चन पूछ रहे थे कि वो हमें कंसल्टेंसी भी देते हैं और सैलरी भी लेते हैं, जी तो सैलरी में तो डेफिनेटली 149 में डिडक्ट हो जाता है, विदहेल्ड हो जाता है उनका टैक्स, ठीक जबकि ये कह रहे फरमा रहे थे कि उनका हम @10% जो है है सर्विसेज सर, पे भी सर टैक्स काट मेरे रहे वो हैं। सर सर्विसेज वाला अलग कह रहे हैं, वो अलग कह रहे हैं, सैलरी अलग है, सर्विसेज अलग, ठीक है, जी, छोड़ तो दो वो उसको। सर्विसेज वाला 153 में उनका कट जाता होगा,
जी यहाँ सर, यहाँ जब फाइल हम करने लगते हैं ना, तो हमें आयरस का पोर्टल कहता है कि हालांकि बंदा सैलरीड है, बट प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग जो वो सर, है बिजनेस के अकाउंट अंदर, बिजनेस के है अंदर वो अटैच करें। सर, बिजनेस हेड के अंदर आप 1 रुपया भी डालेंगे तो कहेगा अकाउंट अटैच करना, याद रखना। ठीक है, ये जो आपकी कंसल्टेंसी है सर एक तो बिजनेस सिर्फ की सर्विसेज पे, सर, सर सर्विसेज बॉस बिजनेस टीचर के है अंदर मसलन आती हैं टीचर। सर। बिजनेस साइड, सही भाई, ये जो आपकी सर्विसेज हैं, ये जितनी भी सर्विसेज के ऊपर विद होल्डिंग होती जी हैं, जी उसकी जो हम रिपोर्टिंग करते हैं अंडर इनकम ऑफ बिजनेस के हेडिंग के अंदर करते हैं। इसका मतलब है एक टीचर है, स्कूल गवर्नमेंट स्कूल का टीचर है, लेकिन अगर वो इन्विजिलेशन भी करता है तो उसका 153 में टैक्स कट जाता है, जी तो जी वो भी उसके ऊपर भी वो बिजनेस कार्ड और जो एलिजिबल आप हो कह रहे हैं ना जाती है। जी सैलरी, सैलरी को आप ऐसे नहीं कह सकते। सैलरी के लिए भी ना आप फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट वन का डिवीजन वन का क्लॉज सेकंड है, सेकंड क्लॉज है, हाँ सेकंड क्लॉज है, उसको देखेंगे फिर आपको पता चलेगा कि जी सैलरी की है कि नहीं है। ठीक है, राइट सर। उसको आप देखिएगा जी। उसके अलावा चले, मेरा ख्याल है कि आई बिलीव बाकी अगर, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन था, वो एक साहब थे MU, क्या नाम था उनका, उन्होंने कहा था कि जी मैंने कभी जूम यूज नहीं किया, मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा सवाल है तो जी आप बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मल्टीटेक मेरा पहले नाम था, अभी मैंने अपना ओरिजिनल नाम लिख दिया सर। मेरा फर्स्ट टाइम है जूम के साथ एक्सपीरियंस। तो सर मेरे दो सवाल हैं यहाँ पे, जी इस टॉपिक से आज के रिलेटेड नहीं है, क्योंकि मैं पहली दफा आपकी क्लास में आया हूँ। मेरा मतलब कोर्स पहली दफा मैं कर रहा हूँ। मैं खुद एक फर्म चलाता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर हूँ। सर मेरी ठीक है, दो चीजें में थोड़े सा मतलब मसला आ रहा है। मैं अभी अपने टैक्स वगैरह जो था किसी कंसल्टेंट से फाइल कराता था, तो मैंने इसीलिए ये कोर्स ज्वाइन किया ताकि मुझे टैक्सेशन और इसकी समझ आ जाए कि क्या करना होता है, क्योंकि वो कंसल्टेंट मुझे काफी घुमा फिरा रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही। मेरा ताल्लुक क्वेटा से है। और सर मेरा सवाल दो चीजों पे ये है कि एक कल 2 तारीख को मैं एक कॉन्ट्रैक्ट लेने जा रहा हूँ, जो कि वो मुझसे मांग रहे हैं फ्री टेक जोन। लोरालाई एक इलाका है जो कि फ्री टेक जोन है, वो मुझसे फ्री टेक जोन का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। अब ये फ्री टेक जोन का सर्टिफिकेट मुझे कहाँ से मिलेगा सर, आपको टैक्स और मिलेगा, कौन देगा सर? टैक्स आपको जो करीबन FBR का ऑफिस है ना, वहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पे आपका RTO वगैरह है। ठीक है, ठीक आपको है वहाँ से सर। टैक्स ऑफिस इशू करेगा। ठीक है, अच्छा सर, और दूसरा मेरा सवाल ये है सर कि क्या था सर, 1 मिनट। एक तो ये टैक्स वाला सवाल था, बस सर यही यही सवाल था। ठीक है सर, थैंक यू। देखिए टैक्स ऑफिस से मिलेगा वो, आप मेरे से बाद में समझ भी लीजिएगा। बाकी जब आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा ना, ठीक है कल सर, कल ये लोग बना देंगे। ठीक है, तो फिर आप वहां पे पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ठीक है सर, इंशाल्लाह, थैंक यू। जी। सना दीवान, सना दीवान अकबर। अच्छा सॉरी सर, गलती से हो गया। चलें जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में मुलाकात होती है। ठीक है, तो अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।